So hello guys, hello everyone, welcome to the class of Clash course of Mass Transfer. Okay, so hello, welcome everyone. सो गाइस एक बार शेयर कर दो स्टूडेंट्स के साथ सो दैट दे कैन ज्वाइन. मैं दिख नहीं रहा हूं. ओके ओके नाउ आई एम विजिबल गाइस. सो गाइस शेयर कर दो एक बार सो दैट सारे ज्वाइन कर पाए. क्लास को लाइक कर दो. चिल्ड्रंस डे का गिफ्ट नहीं देंगे. चिल्ड्रंस डे का गिफ्ट चाहिए आपको गौरव. चिल्ड्रंस डे नलायको एडल्ट हो चुके हो. वोटिंग पावर तुम्हारे पास आ चुकी है. मैरिज एज तुम क्रॉस कर चुके हो. बीटेक तुम्हारी होने वाली है. चिल्ड्रंस डे का गिफ्ट चाहिए तुम्हें. अब मुझे जो बोलना है वो मैं यहाँ बोल नहीं पा रहा. मैं बोलना नहीं चाहता बट तुम समझ जाओ कि बच्चों को मिलता है वो गिफ्ट.
नहीं गौरव, मेरे लिए तुम बच्चे नहीं हो भाई मेरे लिए बच्चे नहीं हो। तुम खतरनाक हो भाई साहब, सारे के सारे खतरनाक प्राणी हो तुम सब, बच्चे नहीं हो। चलो तो आपके लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए मैंने एक तो यहाँ पे देखो, ये जो YouTube पे जितने मेरे सेशंस हो रहे हैं ना क्रैश कोर्स के, इन सारे सेशंस के एक प्लेलिस्ट बना दी है, और उस प्लेलिस्ट में डेली का जो भी लेक्चर है वो मैं ऐड करवा देता हूँ। तो ये YouTube की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी PDF में डाल दिया है, और PDF आपको पता है कि मैं डेली शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आज से ये जो PDF है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो मिलेगी ही, बट साथ ही साथ जो अनअकैडमी में मेरी कम्युनिटी है, तो मैं कम्युनिटी में भी ये PDF डेली बेसिस पे शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो कम्युनिटी से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो YouTube की प्लेलिस्ट जिसमें सारे सेशंस रहेंगे क्रैश कोर्स के, आप उसे सेव कर सकते हो उस लिंक को, और कभी भी जब आप चाहो कोई भी लेक्चर आप उठा के देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। दूसरा, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं प्रैक्टिस सेशंस का जो लिंक है वो आपको दे दूंगा, तो मैंने वही किया है। डिस्टिलेशन के जो प्रैक्टिस सेशंस है उनका लिंक मैंने यहाँ पे आपके सामने दे दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो बोर्ड पे फ्लैश हो रहे हैं। तो ये 5 प्रैक्टिस सेशंस हैं, 4 प्रैक्टिस सेशन और एक बैच डिस्टिलेशन का स्पेशल सेशन। तो इन सेशंस के थ्रू आप डिस्टिलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उसका लिंक भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो क्रैश कोर्स का लिंक यहाँ पे दे दिया, प्रैक्टिस सेशंस का लिंक यहाँ पर दे दिया, ठीक है। और ये नेक्स्ट लेक्चर जो आज हम करने वाले हैं उसका वॉलपेपर है, ठीक है। अभिषेक, मैं तो बच्चों को ना नालायक बोलता हूँ, है ना, आपने सुना होगा, अगर प्लस क्लास मेरे अटेंड की है तो मैं जनरली बोलता हूँ नालायक। तो तुम मेरे लिए नालायक हो, तो कोई हैप्पी नालायक डे हो तो तुम मुझे बताना, तो उस दिन मैं तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई गिफ्ट दूंगा, ठीक है, अगर कोई ऐसा डे है तो। ओके क्योंकि ये जो जर्नी है गेट की, नालायक से लायक बनने की जर्नी है पूरी की पूरी। तो जैसे जैसे तुम आगे पढ़ते रहते हो नालायक से लायक बनते रहते हो वो तो डेली होता है दैट्स ग्रेट। चलिए तो अब फोकस करते हैं आज के लेक्चर पे। आज का लेक्चर काफी लेंदी होने वाला है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गेट परस्पेक्टिव से। और हर साल आज का जो लेक्चर का कंटेंट है ना, इस कंटेंट से हर साल एक क्वेश्चन तो गेट में रहता ही रहता है, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर से पूरा जस्टिफिकेशन करूं, और जितना मैं तुम्हें समझा सकता हूं उतना मैं पूरा समझाने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। ओके तो सबसे पहले तो गाइस हमें समझना है कि जो सेक्शंस होते हैं डिस्टिलेशन कॉलम में, डिफरेंट सेक्शंस, उनके बारे में, सेक्शंस ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम। सो डिस्टिलेशन के लेक्चर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था, एक टॉपिक मैंने करवाया था आपको याद करो, मास ट्रांसफर ऑन ए ट्रे। तो मास ट्रांसफर ऑन ए ट्रे का जो टॉपिक है वो हमें बताता है कि एज द वेपर गोज अप इट गोज इट बिकम्स मोर एंड रिच्ड। जैसे जैसे वेपर ऊपर जाती है इसके अंदर मोर वोलेटाइल का जो कंटेंट है वो बढ़ता रहता है, एंड एज द लिक्विड गोज डाउन इट गेट्स मोर एंड मोर स्ट्रिप्ड
आउट ऑफ द मोर वोलेटाइल, मतलब जैसे लिक्विड नीचे जाता रहता है इसमें मोर वोलेटाइल की जो परसेंटेज है वो कम होती रहती है। इसका मतलब किसी भी टाइम पर एक ट्रे के ऊपर जो वेपर लिक्विड है उनमें एक ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और उसी ट्रे के नीचे जो वेपर लिक्विड है उनमें मोर वोलेटाइल की कंसंट्रेशन कम होगी। तो अगर आप ऊपर वाले सेक्शन की बात करो तो उसमें हमेशा वेपर और लिक्विड में दोनों में एक ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और नीचे वाले सेक्शन की बात करो तो दोनों वेपर एंड लिक्विड में एक ही कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर ट्रे जहाँ से हमारे वेपर और लिक्विड में मोर वोलेटाइल की कंसंट्रेशन फीड कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो, और वो पर्टिकुलर ट्रे जहाँ से हमारे मोर वोलेटाइल की कंसंट्रेशन वेपर एंड लिक्विड में फीड की कंसंट्रेशन से कम हो, उस पॉइंट से हम दोनों सेक्शंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको एक्चुअल डेफिनेशन बताने वाला हूँ कि दोनों सेक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन होती क्या है, किस बेसिस पर होती है। तो ये तो आप जानते हो कि बहुत सारी ट्रेज होती है यहाँ पर। तो सपोज करो ये मेरी है फीड ट्रे, दिस इज व्हाट, दिस इज फीड ट्रे। जिस ट्रे पर फीड इंट्रोड्यूस की जाती है उस ट्रे को बोला जाता है फीड ट्रे। द ट्रे एट विच द फीड इज इंट्रोड्यूस्ड इज नोन एज द फीड ट्रे। सो गाइस व्हाट आई एम सेइंग, मैंने बोला क्या क्या समझाया आपको कि फीड ट्रे के ऊपर आप कोई भी ट्रे उठा लो, ये वाली, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, कोई भी ट्रे उठा लो, फीड ट्रे के ऊपर हर ट्रे पर वेपर और लिक्विड में मोर वोलेटाइल की कॉम्पोजिशन फीड कॉम्पोजिशन से ज्यादा होती है। ठीक है, द सेक्शन अबव द फीड ट्रे, द सेक्शन अबव द फीड ट्रे is more enriched in more volatile component, is more enriched in more volatile component. It means liquid and vapor streams, liquid and vapor streams found in this section are having more value of more volatile component, more value of more volatile component than the feed. तो feed में suppose करो more volatile 50% है, तो इस पूरे के पूरे section में जो feed tray के ऊपर है, इस पूरे section में liquid और vapor दोनों में more volatile की composition 50 से ज़्यादा रहेगी। concept वही है जो मैंने आपको सिखाया, mass transfer unit tray, जैसे जैसे vapor ऊपर जाएगी enrich होती रहेगी, लिक्विड नीचे आता रहेगा, स्ट्रिप होता रहेगा, बट फीड ट्रे तक का जितना भी लिक्विड है उसमें कॉम्पोजिशन फीड की कॉम्पोजिशन से तो ज़्यादा ही होगी। तो ये रीज़न होता है जिसकी वजह से इसे एनरिचिंग सेक्शन बोला जाता है। दैट इज व्हाई दिस सेक्शन, दैट इज व्हाई दिस सेक्शन इज नोन एज एनरिचिंग सेक्शन। तो ये बात याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनरिचिंग सेक्शन को एनरिचिंग सेक्शन क्यों बोला जाता है। और कुछ बुक्स में आपको ये रेक्टिफाइंग सेक्शन के नाम से मिलेगा, तो ये एक ही बात है, रेक्टिफाइंग सेक्शन, रेक्टिफाइंग इट्स अ सिनोनिम फॉर एनरिचिंग।
ठीक है, तो इस नाम से भी आपको मिल सकता है। एंड सिमिलरली, मगर मैं दूसरी बात करूं नीचे वाले सेक्शन की, सो द सेक्शन बिलो, द सेक्शन बिलो बिलो द फीड ट्रे, द सेक्शन बिलो द फीड ट्रे इज लेस एनरिच्ड और मोर स्ट्रिप्ड इन टर्म्स ऑफ मोर वोलेटाइल, कम एनरिच्ड होता है और ज्यादा स्ट्रिप्ड होता है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ, इट मीन्स लिक्विड एंड वेपर स्ट्रीम्स फाउंड इन दिस सेक्शन liquid and vapor streams found in this section are having more value of less volatile component, more value of less volatile component and less value of more volatile component than the feed. Feed से, feed में जितना more volatile था, उससे नीचे वाले section में चाहे liquid हो या vapor, उन दोनों में जो more volatile component होता है उसकी percentage feed से कम होती है than the feed. ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? That is why this section is known as stripping section. इसलिए इस section को बोला जाता है stripping section. ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशंस थी गाइस स्ट्रिपिंग सेक्शन की, कि एनरिचिंग को एनरिचिंग क्यों बोला जाता है और स्ट्रिपिंग को स्ट्रिपिंग क्यों बोला जाता है। राजपूत प्लीज यूज डिफरेंट कलर पेन। नहीं, मैं रोस्ट करने के मूड में नहीं हूं। डिफरेंट कलर पेन यार, ब्लैक से सही चल रहा है, चलने दो, क्या मतलब, देख तो रही है ना। कंटेंट पे ध्यान दो, क्या कलर का क्या करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब आप हम बात करते हैं एनरिचिंग सेक्शन और स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन की। ठीक है, ओ स्लाइड ही एंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग लाइन ऑफ एनरिचिंग सेक्शन।
एनरिचिंग सेक्शन, ऑपरेटिंग लाइन ऑफ एनरिचिंग सेक्शन। ओके, तो इसमें हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है गेट परस्पेक्टिव से। ऑब्वियसली पूरी डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे यहाँ पे, बट गेट परस्पेक्टिव से क्या बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले डायग्राम याद रखना आपको, आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस क्या लगाया हमने ऑपरेटिंग लाइन के लिए, क्या बैलेंस हमने यूज किया है, दैट यू शुड नो। ठीक है, तो क्या डायग्राम होता है गाइस इसका? ये हमारे पास मान लेते हैं कि एक एनरिचिंग सेक्शन है, दिस इज द एनरिचिंग सेक्शन दैट वी हैव। यहाँ पर हमारी डिफरेंट ट्रेज हो गई, ये होगी हमारी डिफरेंट ट्रेज, और ये हमारी हो गई मान लेते हैं लास्ट ट्रे ऑफ द एनरिचिंग सेक्शन। ठीक है, काउंटिंग होती है ट्रेज की फ्रॉम द टॉप, सो दिस विल बी वन, दिस विल बी टू, दिस विल बी थ्री, फोर, फाइव अप टू दिस इज एनथ। तो ये हमारी एन ट्रेज हो गई। यहाँ से एक स्ट्रीम लीव की, तो दूसरा नोमेनक्लेचर का पॉइंट है कि जो स्ट्रीम जिस ट्रे से लीव करती है उसे उस ट्रे का नाम दिया जाता है। तो ये फर्स्ट ट्रे है, तो अगर वेपर स्ट्रीम यहाँ से लीव करेगी तो उसका नाम होगा वाई वन। तो ये वाई वन यहाँ से लीव की और यहाँ पे गई ये टोटल कंडेंसर में। कौन सा कंडेंसर? टोटल कंडेंसर। टोटल कंडेंसर क्या करेगा? इसे पूरी तरह से कंडेंस कर देगा और फिर ये कंडेंसेट एक ड्रम में कलेक्ट होगा और इस ड्रम से एक पार्ट जाएगा हमारे प्रोडक्ट की फॉर्म में विच इज डिस्टिलेट, जिसकी मोल फ्रैक्शन होगी एक्स डी, और दूसरा पार्ट आएगा वापस, और ये रहा दूसरा पार्ट। ठीक है, और इस पार्ट को अगर हम फर्स्ट ट्रे पर बोल रहे हैं कि लिक्विड फर्स्ट ट्रे पर आ रहा है तो फिर इसकी मोल फ्रैक्शन हम मान सकते हैं एक्स नॉट। ठीक है, और ये लिक्विड फ्लो रेट में ही लिखा जाता है एल। ओके, सो वाई वन इज गोइंग आउट एंड एक्स नॉट इज कमिंग इन, और अगर यहां से देखें एनथ ट्रे से तो जो लिक्विड स्ट्रीम बाहर जाएगी दैट कैन बी कॉल्ड एज एक्स एन, और जो वेपर स्ट्रीम अंदर आएगी दैट कैन बी कॉल्ड एज वाई एन प्लस वन। क्योंकि ये अगर एनथ पे आ रही है तो कहां से लीव कर रही होगी? एन के नीचे से। तो अगर ये एन है तो इसके नीचे कौन सी ट्रे होगी? एन प्लस वन। सो दैट्स वाई द वेपर स्ट्रीम इज नोन एज वाई एन प्लस वन, और इसका फ्लोरेट होगा वी एन प्लस वन। सिमिलरली दिस इज एक्स एन और इसका फ्लोरेट होगा एल एन। तो ये आपका रेक्टिफाइंग सेक्शन का डायग्राम है जो आपको याद रखना है। ठीक है, और इस रेक्टिफाइंग सेक्शन के डायग्राम में गाइस आप क्या करोगे? आप लगाओगे ओवरऑल बैलेंस। सो दिस इज द ओवरऑल बैलेंस। तो इस ओवरऑल बैलेंस में आप देखोगे कि क्या इन है और क्या आउट है। सो टोटल इन एंड टोटल आउट, इस पे आप ध्यान दोगे। सो अगर मैं टोटल इन की बात करता हूं तो टोटल इन है मेरे पास वी एन प्लस वन, और टोटल आउट है अपने पास एक तो एल एन बाहर जा रहा है और एक डी बाहर जा रहा है। फिर आप लगाते हो कंपोनेंट बैलेंस विच इज वी एन प्लस वन इंटू वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एल एन एक्स एन प्लस डी एक्स डी। ठीक है, और यहां से वाई एन प्लस वन की वैल्यू आ जाती है मेरे पास, क्या आती है? एल एन अपॉन वी एन प्लस वन इंटू एक्स एन प्लस डी एक्स डी डिवाइडेड बाय वी एन प्लस वन। ये तो बात हुई स्टेज वाइज, है ना। ये जो हमने इक्वेशन कैलकुलेट की है, ये इक्वेशन कैलकुलेट किया स्टेज वाइज, मतलब अगर मैं n को 1 पुट करता हूँ तो इक्वेशन कुछ अलग आएगी, n को 2 पुट करता हूँ तो इक्वेशन कुछ अलग आएगी, n को 3 पुट करता हूँ तो इक्वेशन कुछ अलग आएगी। तो अलग अलग ट्रेस की अलग अलग इक्वेशन ये हमने कैलकुलेट की है, बट हमें ट्रे की इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें पूरे सेक्शन की इक्वेशन चाहिए, एक ऐसी इक्वेशन जो पूरे सेक्शन को रिप्रेजेंट करे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो स्लोप है वो सेम आए, मतलब कि हर ट्रे के लिए स्लोप सेम आए। अभी क्या हो रहा है कि फर्स्ट ट्रे के लिए स्लोप है L1 by V2, सेकंड ट्रे के लिए स्लोप है L2 by V3, और थर्ड ट्रे के लिए स्लोप है L3 by V4। तो जब तक स्लोप सेम नहीं आएगा तब तक हमारी जो इक्वेशन है वो पूरे सेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। और आप सब जानते हो कि स्लोप को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम CMO की कंडीशंस को एज्यूम कर लेते हैं।
सो एज्यूमिंग द कंडीशंस ऑफ सीएमओ, एज्यूमिंग द कंडीशंस ऑफ सीएमओ, और सीएमओ आप सब जानते ही हो गाइस, सीएमओ बोला जाता है किसे, कांस्टेंट मोलर ओवरफ्लो को, कांस्टेंट मोलर ओवरफ्लो इसे बोला जाता है सीएमओ। ठीक है, सीएमओ क्या है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर लिया अपनी प्लस क्लास में, शायद पूरा एक या डेढ़ घंटा तो खाली मैंने सीएमओ डिस्कस किया था प्लस के अंदर। ठीक है, तो वो तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हाँ, बट सीएमओ का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि जितने भी फ्लो रेट्स हैं वो सब बराबर हो जाएंगे, मतलब V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 अप टू VN प्लस 1, सब फ्लो रेट्स बराबर। इसी तरह L0 इक्वल्स टू L1 इक्वल्स टू L2 अप टू LN, सब बराबर। इसे मान लेंगे V, इसे मान लेंगे L, तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी YN प्लस 1 इज इक्वल्स टू L बाई V इंटू XN प्लस DXD बाय V। तो आप देख सकते हो कि आप n को 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, कुछ भी पुट करते हो तो स्लोप आपका सेम आएगा, और स्लोप आपका अगर सेम आ रहा है मतलब ये इक्वेशन पूरे सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज जब स्लोप सेम होता है तो वो इक्वेशन लाइन बन जाती है, तो दिस इज नोन एज द ऑपरेटिंग लाइन, इसी को बोला जाएगा ऑपरेटिंग लाइन, ऑपरेटिंग लाइन ऑफ एनरिचिंग सेक्शन। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार गेट की तैयारी में इस वाली लाइन को इग्नोर कर देते हैं, वो जो रिफ्लेक्स रेशो वाली लाइन है उसे याद रखते हैं जो मैं आगे लिखवाने वाला हूँ, बट गाइस जितनी वो लाइन इंपॉर्टेंट है उतनी ही ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, तो इस लाइन को भी भूलना नहीं है। तो स्लोप कितना है, एल बाई वी, मतलब कि लिक्विड फ्लो रेट टू द वेपर फ्लो रेट ऑफ द रेक्टिफाइंग सेक्शन, और इंटरसेप्ट कितना है, डी एक्स डी बाई वी, तो दोनों बातें याद रखनी है, भूलनी नहीं है। ओके, अब मैं डिफाइन करता हूं रिफ्लेक्स रेशो को, रिफ्लेक्स रेशो विच इज नंबर ऑफ मोल्स फेड बैक, नंबर ऑफ मोल्स फेड बैक टू द नंबर ऑफ मोल्स विदड्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स फेड बैक टू द नंबर ऑफ मोल्स विदड्रॉन, तो इसकी क्या वैल्यू होगी गाइस, इसकी वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल्स फेडबैक मतलब एल, नंबर ऑफ मोल्स विड्रॉन मतलब कि डी। ठीक है, सो रिफ्लेक्स रेशो बन गया एल बाई डी, तो आर इज इक्वल्स टू एल बाई डी, और अगर मैं दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ वन को, तो एल बाई डी प्लस वन मुझे बन जाएगा वी बाई डी। ठीक है, सो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करता हूँ अपनी इक्वेशन में, सो मेरी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू R by R plus 1 into XN plus XD divided by R plus 1. So this is my second equation guys. ये भी operating line है, operating line of enriching section. तो दोनों ही equation हमारे लिए बहुत important है, और आपको ultimately याद रखना है कि जो slope है operating line का वो कितना है, लिक्विड फ्लो रेट टू द वेपर फ्लो रेट ऑफ द रेक्टिफाइंग सेक्शन इज इक्वल्स टू आर बाय आर प्लस वन। ठीक है, ये हमारा स्लोप है, दोनों दोनों याद रखने हैं। इसी तरह इंटरसेप्ट क्या है वो भी याद रखना है, इंटरसेप्ट क्या है, डी एक्स डी बाय वी या फिर एक्स डी बाय आर प्लस वन। ठीक है, ये हमारा इंटरसेप्ट है, ये भी आपको याद रखना है। एंड तीसरी बात, अगर आप एक्स एन में पॉइंट पुट करते हो एक्स डी, तो आप सोल्व करके देख सकते हो वाई एन प्लस वन की वैल्यू भी आएगी एक्स डी, मतलब तीसरी बात ये हुई कि एक्स डी कोमा एक्स डी इज द पॉइंट, इज द पॉइंट दैट लाइज ऑन द, लाइज ऑन द लाइन। तीन बातें, स्लोप,
इंटरसेप्ट पॉइंट, स्लोप आर बाय आर प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू एल बाय वी, इंटरसेप्ट एक्स डी बाय आर प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू डी एक्स डी बाय वी, एंड पॉइंट एक्स डी एक्स डी, एक्स डी एक्स डी इज द पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन। तो ये तीन बातें हमें याद रखनी है। तो ये सब कुछ गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनरिचिंग सेक्शन से रिलेटेड जितना भी गेट में क्वेश्चन आता है, इतना आप कंटेंट अगर आपको याद है ना जो मैंने भी लिखवाया, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप सोल्व ना कर पाओ। सारे क्वेश्चन आप बहुत ईजिली सोल्व कर सकते हो। फिर ठीक है, इसके अलावा मैं आपको जो नोमन क्लेचर बताया वो मैं एक बार लिखवा रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आपको याद रहे। तो जो नोमन क्लेचर मैं लिखवा रहा हूँ वो हमेशा याद रखना गाइस, ये नोमन क्लेचर सिर्फ डिस्टिलेशन में ही नहीं आगे भी काम आएगा। पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था कि काउंटिंग ऑफ ट्रेस, काउंटिंग ऑफ ट्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। आप काउंटिंग बॉटम से भी शुरू कर सकते हो, बट सारी बुक्स में इन्होंने पूरी जो फॉर्मुलेस वगैरह है सब कुछ टॉप से काउंट करके दी हुई है, इसलिए हम टॉप से काउंट कर रहे हैं। बाकी सेम हम बॉटम से काउंट करके भी सब कुछ बना सकते हैं। काउंटिंग ऑफ ट्रेस स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, लीविंग स्ट्रीम्स, जो स्ट्रीम्स लीव करती है किसी ट्रे को, लीविंग स्ट्रीम्स ऑफ द ट्रे, लीविंग स्ट्रीम्स ऑफ द ट्रे गेट्स द नेम ऑफ द ट्रे, गेट्स द नेम ऑफ द ट्रे। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी ट्रे है एनथ, तो यहां से जो स्ट्रीम वेपर स्ट्रीम लीव करेगी और जो लिक्विड स्ट्रीम लीव करेगी, वेपर का नाम होगा वाई एन, लिक्विड का नाम होगा एक्स एन, लाइक दिस। तीसरा पॉइंट, लीविंग स्ट्रीम्स, लीविंग स्ट्रीम्स ऑफ द ट्रे, लीविंग स्ट्रीम्स ऑफ द ट्रे लाइज इन द, लाइज इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में होती है। जो लीविंग स्ट्रीम्स होती है ना गाइस, वो इक्विलिब्रियम में भी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दो इनकमिंग स्ट्रीम आती है, याद करो वो टॉपिक मास ट्रांसफर होने ट्रे वाला टॉपिक, वहां मैंने क्या किया था, पहले एक वेपर स्ट्रीम बनाई एक लिक्विड स्ट्रीम बनाई, उन दोनों में हीट ट्रांस हुआ, हीट ट्रांसफर होने से लिक्विड के कुछ मोल्स वेपराइज हुए, वेपर्स के कुछ मोल कंडेंस हुए, और उसके बाद फाइनली मेरा वेपर बाहर निकला और यहाँ से लिक्विड बाहर निकला। तो जो लिक्विड और वेपर जा रहा है किसी ट्रे से, वो मास ट्रांसफर होने के बाद में जा रहा है। तो गैस जब मास ट्रांसफर हो जाता है, मतलब जितना होना था अगर उतना मास ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब जो मेरी ट्रेस है, जो मेरी स्ट्रीम्स है, वो इक्विलिब्रियम में आ गई। बिकॉज इक्विलिब्रियम कब आता है? इक्विलिब्रियम आता है मास ट्रांसफर होने के बाद। मैं आपको बता दूं, थर्मोडायनेमिक्स और मास ट्रांसफर में, या थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर में यही डिफरेंस है कि जब थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, और इक्विलिब्रियम पे ना तो कोई कंसंट्रेशन डिफरेंस होता ना कोई थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस होता, लेकिन हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर के टाइम पे ये होता है। मतलब मास ट्रांसफर के टाइम पे अभी मास ट्रांसफर हो रहा होता है, कोई ना कोई डिफरेंस हो रहा होता है, और हीट ट्रांसफर के टाइम पे भी टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम आ जाता है सब ग्रेडियंट रफा दफा हो जाते हैं, सब कुछ बैलेंस हो जाता है और चीजें बिल्कुल सेचुरेशन में आ जाती है। मतलब एक ऐसे स्टेट में कि अब फर्दर सेपरेशन नहीं हो सकती। लाइक हीट ट्रांसफर की बात करूं तो हीट ट्रांसफर में जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इसका मतलब सब कुछ टेम्परेचर हर जगह सेम है, कोई ग्रेडियंट्स नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, अब फर्दर हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और मास ट्रांसफर में जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इसका मतलब जितनी सेपरेशन होनी थी हो गई, अब फर्दर सेपरेशन नहीं हो सकती। ठीक है, ये एक थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन है इन दोनों सब्जेक्ट्स में, है ना। और इन दोनों सब्जेक्ट का डिफरेंस यही है कि ये दोनों सब्जेक्ट्स हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर, जब तक ग्रेडियंट्स है, जब तक डिफरेंस है, तब तक ये आपको मास ट्रांसफर हीट ट्रांसफर करके देते रहेंगे। ठीक है, सो लीविंग स्ट्रीम्स ऑफ द ट्रे लाइज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज लीविंग स्ट्रीम्स मास ट्रांसफर होने के बाद की स्ट्रीम्स है, और मास ट्रांसफर होने के बाद या जितनी सेपरेशन होनी थी उतनी सेपरेशन होने के बाद तो स्ट्रीम्स इक्विलिब्रियम में आएगी ही आएगी। सो दैट्स व्हाई लीविंग स्ट्रीम्स ऑफ द ट्रे लाइज इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद गाइस, स्ट्रीम्स ऑन द सेम साइड, स्ट्रीम्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रे लाइज
ऑन दी ऑपरेटिंग लाइन। स्ट्रीम्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रे लाइज ऑन दी ऑपरेटिंग लाइन। जो स्ट्रीम्स ट्रे के सेम साइड पर होते हैं वो ऑपरेटिंग लाइन में लाई करते हैं, ठीक है। स्ट्रीम्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रे लाइज ऑन दी ऑपरेटिंग लाइन। ओके गाइस, तो हमारा इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जैसे कि हमने अभी लाइन पढ़ी, क्या लाइन पढ़ी, वाई एन प्लस वन इज इक्वल्स टू आर बाय आर प्लस वन इंटू एक्स एन प्लस एक्स डी बाय आर प्लस वन, ये हमने लाइन पढ़ी। अब इस लाइन में कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं, देखो एक तो है एक्स एन और दूसरा है वाई एन प्लस वन, तो ये पॉइंट इस लाइन पर है और ये लाइन कौन सी ऑपरेटिंग लाइन है, मतलब ये पॉइंट ऑपरेटिंग लाइन पर है। अब ये पॉइंट ग्राफिकली देखो कहाँ पर है, मतलब ट्रे में देखो कहाँ पर है, तो अगर ये nth ट्रे है तो nth ट्रे के लिए xn क्या होगा, वो लिक्विड स्ट्रीम जो है यहाँ से लीव करेगी, और nth के लिए yn प्लस वन क्या होगा, वो वेपर स्ट्रीम जो इस पे एंटर करेगी। तो इस पॉइंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये दोनों की दोनों स्ट्रीम्स ट्रे की सेम साइड पे तो है, बिकॉज इस ट्रे की दो साइड है, एक तो टॉप और एक बॉटम, तो जो स्ट्रीम्स ट्रे की सेम साइड पर है वो ऑपरेटिंग लाइन पर है, बिकॉज एक्स एन और वाई एन प्लस वन ऑपरेटिंग लाइन पर है। इसी तरह अगर मैं यहाँ की बात करूँ वाई एन और यहाँ पे एक्स एन माइनस वन, ये दोनों भी ऑपरेटिंग लाइन पर है, ठीक है, बिकॉज ये इक्वेशन मैंने nth ट्रे के लिए लिखी है। अगर मैं n माइनस वनथ ट्रे के लिए लिखता हूँ तो आएगी वाई एन इज इक्वल टू आर बाई आर प्लस वन इंटू एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स डी बाई आर प्लस वन। इसका मतलब वाई एन और एक्स एन माइनस वन भी ऑपरेटिंग लाइन पर हो गए। तो किसी भी ट्रे के सेम साइड पर पाए जाने वाली स्ट्रीम्स ऑपरेटिंग लाइन पर लाई करती है। ये कैसे पता लगा, ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन से पता लगा, ठीक है। तो ये पॉइंट में हमें ध्यान रखना है। सो गाइस, सबको समझ में आ रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड किसी पॉइंट में? ओके, कुछ मैसेजेस आ रखे हैं यहाँ पे, तो देख लेते हैं क्या क्या है। चिराग, सर जी वाई वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम डायमीटर इज बिगर देन एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम। वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम का डाया एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम से ज्यादा क्यों होता है, अभी बताता हूँ, डोंट वरी। चिराग, सर वीडियो में भी रेक्टिफिकेशन और स्ट्रिपिंग सेक्शन रहता है? यस चिराग, वीडियो में भी रेक्टिफिकेशन और स्ट्रिपिंग सेक्शन रहता है, ठीक है। जनरली किसी भी कॉलम में रेक्टिफाइंग स्ट्रिपिंग दोनों सेक्शन रहते हैं, बट अगर हमें सिर्फ रेक्टिफाइंग कॉलम चाहिए या सिर्फ स्ट्रिपिंग कॉलम चाहिए तो वैसा भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉर्मली किसी भी कॉलम में रेक्टिफाइंग और स्ट्रिपिंग दोनों सेक्शन रहते हैं। अब मान लो वीडियो के अंदर मुझे गैसेस या लाइट प्रोडक्ट्स ज़्यादा चाहिए, तो रेक्टिफाइंग सेक्शन थोड़ा बड़ा होगा और स्ट्रिपिंग थोड़ा छोटा होगा, ऐसा जरूर हो सकता है। या मुझे हैवी प्रोडक्ट्स चाहिए तो स्ट्रिपिंग बड़ा होगा, रेक्टिफाइंग छोटा होगा, तो वो अल्टरनेट चीज़ें हो सकती है, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। गौरव, सर कांस्टेंट मोलर ओवरफ्लो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सीएम, चिराग सिंह, सीएमओ क्या है, कांस्टेंट मोलर ओवरफ्लो? राजपूत, आर इज इक्वल्स टू रिटर्न अपॉन विड्रॉल, स्लोप ऑलवेज लेस देन यूनिटी। स्लोप ऑलवेज लेस देन यूनिटी मतलब कि आर बाय आर प्लस वन की बात कर रहे हो, तो आर बाय आर प्लस वन तो ऑब्वियसली लेस देन यूनिटी रहेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमिनेटर से ज्यादा है, तो दैट मीन्स यस, जो स्लोप होता है वो हमेशा लेस देन यूनिटी रहने वाला है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ओके, तो सीएमओ क्या है बता दू, तो सीएमओ में क्या जानना चाहते हो, सीएमओ का मीनिंग तो वैसे मैंने लिखवा दिया गाइस, ये मीनिंग होता है कि फ्लो रेट्स आर सेम, ठीक है। और अगर मैं इसका डायग्राम के हिसाब से मीनिंग बताऊं तो मैं बता देता हूं। ये देखो, हमने मास ट्रांसफर ऑन ए ट्रे वाला टॉपिक पढ़ा था लेक्चर नंबर वन में, तो ये मेरी मान लो वेपर स्ट्रीम है हैविंग ए मोल्स ऑफ 150, सपोज दिस इज आर लिक्विड स्ट्रीम हैविंग मोल्स ऑफ 100, इन दोनों में हीट ट्रांसफर हुआ,
हीट ट्रांसफर होने के बाद कुछ मोल्स यहाँ से वेपराइज हुए और कुछ मोल्स यहाँ से कंडेंस हुए। तो सीएमओ क्या बोलता है, सीएमओ अगर होगा तो सीएमओ क्या बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स वेपराइज्ड कितने वेपराइज हुए, मान लेते 20 मोल, नंबर ऑफ मोल्स वेपराइज्ड मस्ट बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स कंडेंस्ड, कंडेंस भी कितने हो गए 20 मोल। इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि जब ये वेपर स्ट्रीम लीव करेगी नीचे से कितने आए 130, ऊपर कितने मिले 20, टोटल कितना हुआ 150। तो अगर यहाँ पे 150 था तो यहाँ भी 150 होगा, मतलब अगर ये nth ट्रे है और ये हमारी vn है, vn प्लस वन, ठीक है, तो ये हमारी vn हो गई, ये हो गया हमारा vn और ये हो गया vn प्लस वन। तो vn प्लस वन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, vn के बराबर, ठीक है। इसी तरह ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है ln माइनस वन और ये वैल्यू जो निकलेगी होगी ln। तो ऊपर 100 था, 20 वेपराइज हो गया, बचा कितना 80, नीचे से 20 मिल गए बिकॉज ये लिक्विड थे, इसमें ऐड हो जाएंगे 20, कितना हो गया 100। तो ln माइनस वन भी कितना था 100, ln भी कितना हो गया 100। तो यहाँ से हमें पता लगा कि vn की जो वैल्यू है ये vn प्लस वन के बराबर आ गई और ln माइनस वन की जो वैल्यू है ये ln के बराबर आ गई। और क्या कंडीशन हमने यूज की, हमने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स वेपराइज्ड मस्ट बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स must be equals to the number of moles condensed। और अगर ऐसा होता है कॉलम के अंदर हर ट्रे पर, तो हर ट्रे के फ्लोरेट सेम आते रहेंगे। अभी तो इस ट्रे की हमने बात की, इस ट्रे के जो दोनों फ्लोरेट्स हैं वो बराबर आ गए। इसी तरह अगर हर ट्रे पर ऐसा ही होगा ना, तो हर ट्रे के फ्लोरेट सेम आ जाएंगे। और अगर हर ट्रे के फ्लोरेट सेम आ गए तो मतलब पूरी की पूरी कॉलम में जो फ्लोरेट्स हैं बराबर रहेंगे, पूरे रेक्टिफाइंग सेक्शन में इक्वल और पूरे स्ट्रिपिंग सेक्शन में इक्वल, ठीक है। ये मतलब होता है सीएमओ का। तो गौरव एंड चिराग, आप जो पूछ रहे थे आपको क्लियर हुआ सीएमओ के बारे में? राजपूत सर, मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेस पे जितना वेपराइजेशन होगा उतना ही कंडेंसेशन होगा। हाँ वही बोला मैंने भी शायद, नंबर ऑफ मोल्स वेपराइज मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स कंडेंस्ड। तो जितना वेपराइजेशन हुआ उतना ही कंडेंसेशन हुआ। गौरव सर, तब पोंचन में वैलिड नहीं रहता ना? नहीं नहीं, सिर्फ मैकैप्थले की बात कर रहा हूँ, मैं पोंचन की बात यहाँ पे नहीं कर रहा, इट इज जस्ट मैकैप्थले, ठीक है। बिकॉज मैकैप्थले के अंदर कॉलम में कोई एनर्जी बैलेंस लगाने की नीड नहीं पड़ती, बिकॉज कॉलम में कोई एनर्जी मिक्सिंग की वजह से नहीं जाती, नहीं वेस्ट होती। तो एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है और नंबर ऑफ मोल्स जितने वेपराइज्ड होते हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स कंडेंस्ड होते हैं, ठीक है। ओके, बाकी अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन अभी अवेलेबल है तो एक बार मैं यही बोलूंगा, जाकर सीएमओ वाली क्लास जरूर देखना, बिकॉज सीएमओ वाली क्लास में मैं इसके भी आगे जाकर लगभग 1 से 1.5 घंटे का डिस्कशन किया है कि नंबर ऑफ मोल्स वेपराइज्ड एंड नंबर ऑफ मोल्स कंडेंस्ड बराबर कब होते हैं, उसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पे पूरी बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन पढ़ा के आपको सारी चीज़ें लिखवाई है, तो वो अगर देख सकते हो तो ज़रूर देखना, उससे आपकी क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। बट अभी के लिए गेट के लिए इतना काफ़ी है, गेट के लिए इतना काफ़ी है कि अगर आपको इतना भी पता है ना तो दैट इज़ मोर देन इनफ कि फ्लोरेट सारे बराबर हो जाते हैं। ओके, तो ये हमारे पास लाइन आ चुकी है गाइस फाइनली, ठीक है, ऑपरेटिंग सेक्शन की लाइन और ये हमारे नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर वाले चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, तो ये चारों पॉइंट भी ध्यान रखना।
आगे बढ़ते गैस ऑपरेटिंग लाइन ऑफ स्ट्रिपिंग सेक्शन पे। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था कि वैक्यूम का डाया उससे बड़ा क्यों होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वैक्यूम कॉलम का डाया हमारे जो नॉर्मल कॉलम होते उससे बड़ा क्यों होता है। ठीक है, तो हमारे पास गैस एक रिलेशनशिप होता है, मोलर फ्लो रेट इज इक्वल्स टू रो बाय एम, एम इज द मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया मतलब अफेक्टिव एरिया ऑफ मास ट्रांसफर मल्टीप्लाइड बाय दी वेपर वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर जो एम होता है, एम डॉट दैट इज द मोलर फ्लो रेट, मोलर फ्लो रेट ऑफ द वेपर इन ए गिवन सेक्शन, मोलर फ्लो रेट ऑफ द वेपर इन ए गिवन सेक्शन। दूसरा हमारे पास होता है ए एरिया, एरिया क्या होता है, अफेक्टिव एरिया और आप बोल सकते हो अवेलेबल एरिया फॉर मास ट्रांसफर, अवेलेबल एरिया फॉर मास ट्रांसफर। ठीक है, मतलब ये क्या होता है हमारा, टोटल एरिया माइनस द एरिया ऑफ डाउन कमर। ठीक है, तो मान लेते हैं टोटल एरिया है पाई बाय 4 d² और एरिया ऑफ डाउन कमर कितना होता है, जनरली डाउन कमर कट या तो हम 10% लेते हैं या 15% लेते हैं, 10 से 15 के बीच में होता है। ठीक है, सो डाउन कमर कट कितना हो गया, 10% to 15% ऑफ द टोटल एरिया विच इज पाई बाय 4 d², तो ये होता है हमारा अफेक्टिव एरिया या फिर अवेलेबल एरिया फॉर मास ट्रांसफर। डाउन कमर कट कितना लेना है क्वेश्चन में दिया होगा, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो फिर आप कोई कट नहीं लोगे, जो टोटल एरिया होगा वही आपका इफेक्टिव एरिया बन जाएगा। ठीक है, और वी हमारी होती है ऑपरेटिंग वेलोसिटी ऑफ वेपर, ऑपरेटिंग वेलोसिटी ऑफ वेपर इन ए गिवन सेक्शन, ऑपरेटिंग वेलोसिटी ऑफ वेपर इन ए गिवन सेक्शन। ठीक है, गिवन सेक्शन में या तो रेक्टिफाइंग में या स्ट्रिपिंग में। ठीक है, और मोलर फ्लो रेट भी गिवन सेक्शन में होगा, या तो रेक्टिफाइंग में या स्ट्रिपिंग में, बिकॉज दोनों सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन में हमारा फ्लो रेट डिफरेंट हो सकता है और हमारी वेलोसिटी भी डिफरेंट हो सकती है। तो ये ऑपरेटिंग वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होती है, ये कैलकुलेट होती है सम 60% to 85%, 60% to 85% ऑफ फ्लडिंग वेलोसिटी। ठीक है, जो फ्लडिंग के केस में वेलोसिटी होती है हमारी वेपर की, उस वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ सिमुलेशंस, एंड देन उस वेलोसिटी का 60% से 85% के बीच में एक वैल्यू लेकर हम ऑपरेट करते हैं, तो ये हमारी हो जाती है ऑपरेटिंग वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे ऑपरेटिंग लिख देते हैं, ऑपरेटिंग वेलोसिटी ऑफ द वेपर, और ये मोलर फ्लो रेट ऑफ द वेपर। ठीक है, ये हमारा डायग्राम मतलब कि रिलेशन होता है, मोलर फ्लो रेट इज इक्वल्स टू रो बाय एम इनटू ए इनटू वी ऑपरेटिंग। और इस रिलेशन से हमें पहली बात तो ये पता लगती है, पहली बात ये पता लगती है कि हमारी डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर जो रेक्टिफाइंग सेक्शन और स्ट्रिपिंग सेक्शन होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सेम डायामीटर के हो, दैट इज नॉट कंपल्सरी दैट बोथ द सेक्शन आर ऑफ सेम डायामीटर, मतलब कि पूरी डिस्टिलेशन कॉलम ऊपर से लेकर नीचे तक एक डायमीटर की नहीं होती है, जो रेक्टिफाइंग सेक्शन होता है और जो स्ट्रिपिंग सेक्शन होता है वो डिफरेंट डायमीटर्स के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सेक्शन में हमारी जो वेपर का फ्लो रेट है वो डिफरेंट हो सकता है। अगर तो दोनों सेक्शन में वेपर का फ्लो रेट सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर दोनों सेक्शंस में वेपर का फ्लो रेट डिफरेंट है तो वहां पर हमारा जो डाया है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो जिस सेक्शन में वेपर का फ्लो रेट ज्यादा होगा उस सेक्शन में हमारा जो डाया है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, सो डिस्टिलेशन कॉलम इज नॉट ऑफ
यूनिफॉर्म डाया इज नॉट ऑफ यूनिफॉर्म डायामीटर, जनरली ये यूनिफॉर्म डायामीटर की नहीं होती, ठीक है। मोलर फ्लो रेट ऑफ द वेपर, मोलर फ्लो रेट ऑफ द वेपर इन बोथ द सेक्शंस इज जनरली डिफरेंट। जो मोलर फ्लो रेट होते हैं दोनों सेक्शन में वो जनरली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। देयरफॉर डायामीटर ऑफ बोथ द सेक्शंस, डायामीटर ऑफ बोथ द सेक्शंस आर ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। और द सेक्शन हैविंग मोर वेपर फ्लो रेट, द सेक्शन हैविंग मोर वेपर फ्लो रेट इज मोर वाइडर। जिस सेक्शन में वेपर फ्लो रेट ज्यादा होगा वो सेक्शन ज्यादा वाइडर होगा। आप मुझसे पूछ सकते हो सर ऐसा भी तो हो सकता ना कि किसी सेक्शन में लिक्विड फ्लो रेट ज्यादा हो तो वो भी वाइडर होगा क्या? तो गाइस जनरली वो उतना वाइड करने की नीड नहीं है। ये जो कहानी है ना डाया के ज्यादा होने की कम होने की, ये एक्चुअल में वेपर फ्लो रेट पे डिपेंड करती है। बिकॉज आप जानते ही हो लिक्विड के कंपैरिजन में वेपर्स का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है। तो वेपर्स, एक मोल ऑफ वेपर एक मोल ऑफ लिक्विड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसलिए डायमीटर की जो कैलकुलेशन होती है ये वेपर के रिस्पेक्ट में की जाती है। तो जिस सेक्शन में वेपर का फ्लो रेट ज्यादा होता है या वेपर का अमाउंट ज्यादा होता है तो वो सेक्शन ज्यादा वाइडर होता है, ठीक है। और ये जो दो सेक्शंस है ना अलग अलग डायमीटर के, ये हम कनेक्ट कैसे करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं कॉनिकल हेड के थ्रू, ठीक है। सो बोथ द सेक्शंस हैविंग डिफरेंट डायामीटर कैन बी कनेक्टेड यूजिंग कॉनिकल हेड, ठीक है। ये हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना वो डिजाइन के अंदर आता है, फ्लैट हेड, टोरिस्फेरिकल हेड, फ्लैंज्ड ओनली, हेमिस्फेरिकल हेड, एलिप्सोइडल हेड, और एक आता है कॉनिकल हेड। सो कॉनिकल हेड के थ्रू हम दो अलग अलग सेक्शन के कॉलम्स को आपस में कनेक्ट करके एक कॉलम बनाते हैं जिसे डिस्टर्शन कॉलम बोलते हैं। तो फाइनली हमने क्या सीखा कि अगर किसी सेक्शन में वेपर का फ्लो रेट ज्यादा होता है तो वो सेक्शन वाइडर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा ये था कि वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम और एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम, अगर इन दोनों कॉलम्स को आपस में कंपेयर करें तो क्या होगा? तो गाइस कल हमने सीखा कि अल्टीमेटली वेपर बनना या वेपराइजेशन होना इस बात पे डिपेंड करेगा कि लॉ ऑफ बॉइलिंग सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। मतलब अगर हम यहाँ पर है, सपोज ये हमारा पी एग्जर्टेड है विच इज पी ए प्लस पी बी, और हमें जाना यहाँ पर है, ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। और जब तक ये टेम्परेचर यहाँ पर नहीं पहुँचाएगा सिस्टम को तब तक हमारी वेपराइजेशन नहीं होगी। लेकिन वैक्यूम डिस्टिलेशन के केस में क्या हो रहा है? वैक्यूम डिस्टिलेशन के केस में आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक नहीं है, एटमॉस्फेरिक से कम है। और जब जब प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक से कम होता है तब तब वेपराइजेशन करना आसान होता है और वेपर्स भी ज्यादा बनती है। वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट के कंपैरिजन में लाइट प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बनते हैं। अगर आप रिफाइनरी में ट्रेनिंग आपने की है तो आप जानते होंगे कि हमारा जो एडीयू होता है उसमें इंटरमीडिएट और हैवी प्रोडक्ट्स ज्यादा बनते हैं, गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, हैवी फ्यूल ऑयल या तार, कोक, रेसिड्यू, ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा बनता है। वहाँ पे एलपीजी, पेट्रोल, नेफ्था, ये सब कम बनता है। और उस रेसिड्यू को जब हम वैक्यूम डिस्टिलेशन में डाल देते हैं तो वहाँ पर रिफाइनरी गैसेस, एलपीजी, पेट्रोल, नेफ्था, ये सब ज़्यादा बनता है। और वहाँ से लुब्रिकेटिंग ऑयल या पेट्रोल एटम वगैरह, ये सब हैवी फ्यूल ऑयल वगैरह बहुत कम बनता है।
ठीक है, तो जब वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में हम चीज़ों को डाल देते हैं जो कम प्रेशर पे ऑपरेट कर रही है, तो वहाँ पे वेपराइजेशन ज़्यादा होता है, ईज ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होता है और वेपर ज़्यादा एनरिच भी होती है, मतलब वेपर में मोर वोलेटाइल का कंपोनेंट ज़्यादा भी होगा, और वेपर में मोर वोलेटाइल जितना ज़्यादा होगा वो वेपर उतना ज़्यादा यू कैन से कि लाइट होगी, जल्दी ऊपर जाएगी, ज़्यादा फ्लो रेट से ऊपर जाएगी या ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, तो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट के अंदर जो वेपर जनरेशन है वो एटमोस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और अगर वेपर जनरेशन ज़्यादा है, वेपर का फ्लो रेट ज़्यादा है, तो वेपर को ज़्यादा स्पेसिफिक वॉल्यूम, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम उनका ज़्यादा होता है तो ज़्यादा एरिया भी चाहिए, तो इसलिए वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट को एडीयू के कंपैरिजन में थोड़ा वाइडर बनाना पड़ता है, ताकि वो इतना सारा जो वेपर जनरेशन हुआ है हम उसको एक्यूमुलेट कर सके विद इन द कॉलम। ठीक है, सो इन द केस ऑफ वीडीयू, इन द केस ऑफ वीडीयू एज द प्रेशर इज लेस देन एन एटीएम, ठीक है, लेस देन एन एटीएम, एन एटीएम की जगह हम लिख देते हैं 1 ATM, प्रेशर इज लेस देन 1 ATM, इन द केस ऑफ वीडीयू एज द प्रेशर इज लेस देन 1 ATM, वेपोराइजेशन रेट विल बी मोर। ठीक है, मतलब कि वेपर जनरेशन या फिर मैं बोलू लाइट प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन इन वीडीयू इज मोर देन एडीयू, जो लाइट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वीडियो में वो एडीयू से ज्यादा होता है। दीज वेपर्स और लाइट प्रोडक्ट्स रिक्वायर्स मोर स्पेस एज देयर स्पेसिफिक वॉल्यूम इज मोर एंड देयर फोर वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट्स आर हैविंग मोर डायामीटर और दे आर मोर वाइडर देन एटमोस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट्स। ठीक है, सो ये था कंपैरिजन ऑफ डाया ऑफ एडीयू एंड वीडियो। ठीक है, तो गाइस हर एक चीज के पीछे ना एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना। डिस्टिलेशन कॉलम में तो खैर इतना कुछ है जानने को कि मैं पढ़ाता रहूँ तुम पढ़ते रहो, मैं पढ़ाता रहूँ तुम पढ़ते रहो, और ऐसे ही पूरा दिन पूरी रात चली जाएगी डिस्टिलेशन नहीं खत्म होने का। इतना कुछ जानने को है, इतना कुछ समझने को है। ओके, सो गाइस समझ में आया सबको कि क्यू वीडियो का डाया एडीयू से ज्यादा होता है। बताओ, स्पैम भी आ गया साथ में, ये मुझे ही दिख रहा है तुम्हें भी दिख रहा है। फाइंड लव ऑन द न्यू डेटिंग साइट, क्या बात है, फ्री गर्ल्स यूनिवर्सिटी। तेरे क्वेश्चन पूछा गया था तब नहीं आता था, अब एकदम क्लियर हो गया, ग्रेट।
ये स्पैम में हमेशा ऐसे ही को लिखते हैं, फाइंड गर्ल्स ऑन द डेटिंग साइट, है ना, ऐसा क्यों? फाइंड बॉयज भी तो होते हैं डेटिंग साइट पे यार, एक तरफा स्पैम है यार ये, दोनों तरफा स्पैम होना चाहिए कम से कम, है ना, फाइंड लव ऑन द न्यू डेटिंग साइट। स्पैम वाले भाई, सेशन लाइक करते जाना, सेशन लाइक करते जाना, सेशन में कमेंट करते जाना और सेशन को शेयर जरूर करना, अपनी डेटिंग साइट पर सेशन को लगा देना। इंजीनियरिंग के लड़के। ओके, तो ये कौन सा टॉपिक था? रिलेशन ऑफ मोलर फ्लो रेट विद एरिया इन ए डिस्टिलेशन कॉलम। ये रिलेशन बेसिकली डाया कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, और इस रिलेशन के बेसिस पे गेट में कई बार क्वेश्चंस भी आया है, तो ये रिलेशन भाई ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो था टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो मैंने टॉपिक इसलिए बीच में ले लिया कि उस वैक्यूम डिस्टिलेशन के क्वेश्चन के बहाने अब ये टॉपिक भी मैं बता देता, तो ये टॉपिक भी मैंने आपको साथ साथ बता दिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रिपिंग सेक्शन की, गैस स्ट्रिपिंग सेक्शन तो रह गया, अभी 6 बज गए और स्ट्रिपिंग सेक्शन में पहुंचे, बताओ काहे का क्रैश कोर्स है, तो फुल कोर्स चल रहा है। गाइस हमें क्रैश की तरह पढ़ना है, ठीक है, तो तुम इतने ज्यादा डिटेल में मांगोगे तो फुल कोर्स बन जाएगा, वो क्रैश नहीं रहेगा फिर, तो क्रैश की तरह पढ़ते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग लाइन, और जब मैं कोई लेक्चर लूँ तो अपने नोट्स में से पढ़ के आया करो, है ना, बिकॉज मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि मास ट्रांसफर तुम पढ़ चुके हो, मैं तो बस तुम्हारा रिवाइज करवा रहा हूँ, ये मेरी एजम्पशन है, मेरी एजम्पशन को तुम गलत प्रूफ कर देते हो हर लेक्चर में। सो ऑपरेटिंग लाइन ऑफ स्ट्रिपिंग सेक्शन, ठीक है, ऑपरेटिंग लाइन ऑफ स्ट्रिपिंग सेक्शन, चलिए तो स्ट्रिपिंग सेक्शन में क्या ध्यान रखने वाली बात है, स्ट्रिपिंग सेक्शन में जैसे कि रेक्टिफाइंग सेक्शन मैंने आपको बताया था डायग्राम याद रखना है, तो स्ट्रिपिंग में भी आपको डायग्राम याद रखना है, बहुत जरूरी है। तो ये रहा हमारा स्ट्रिपिंग का डायग्राम, ठीक है, तो ये रही हमारी ट्रेस, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेस, ठीक है, यहां से हमारा लिक्विड बाहर जाएगा, ये जाएगा रिबॉलर में, कौन सा रिबॉलर है जी, ये होता है पार्शियल रिबॉलर, ठीक है, अभी रिबॉलर का कॉन्सेप्ट, कंडेंसर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में भी, ठीक है, तो ये डब्ल्यू बाहर गया और यहाँ से फिर ये आ गया हमारी वेपर अंदर, ठीक है, तो दीज आर लिक्विड स्ट्रीम्स एंड दिस इज द वेपर स्ट्रीम्स दैट कम्स बैक, ओके, एंड इस ट्रे की बात करें तो इस ट्रे से भी एक जो वेपर स्ट्रीम है वो बाहर जाएगी, ये वेपर स्ट्रीम हमारी बाहर चली गई और लिक्विड स्ट्रीम जो है वो अंदर आएगी, ठीक है। अब रेक्टिफाइंग सेक्शन में मैंने सिंबल यूज किया था एन, तो यहां पे सिंबल यूज कर लेते हैं एम, ठीक है, तो एम, और ये ट्रे मान लेते हैं M+1। M+1 क्यों मानी, एम क्यों नहीं, आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा अभी, लेकिन अगर इसे M+1 ले लेते हैं तो फिर ये जो वेपर स्ट्रीम लीव कर रही है इसका क्या नाम बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा Y M+1, और ये जो लिक्विड स्ट्रीम आ रही है इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा XM, ठीक है, और ये जो वेपर स्ट्रीम है साथ में लिख सकता हूं मैं VM+1, और यहां पे साथ में लिख सकता हूं मैं LM, ओके, तो ये बन गया मेरा डायग्राम। तो ये डायग्राम आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, दीज डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बैलेंस किस पे लगाने वाले हो, आप बैलेंस भूल सकते हो बट अगर आपको डायग्राम याद है तो आप बैलेंस एट ए टाइम लिख भी सकते हो, तो इसलिए डायग्राम्स बहुत जरूरी है।
तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं अब कि ओवरऑल कितना इन या आउट हुआ है, तो ये मेरा सिस्टम है, और इस सिस्टम से अगर मैं ओवरऑल इन और आउट की बात करता हूँ तो ओवरऑल इन कितना है, इन है LM, और आउट कितना है, आउट है VM+1 प्लस W, ठीक है। और अगर मैं कंपोनेंट बैलेंस लिखूँ तो LMXM इज इक्वल टू VM+1 इंटू YM+1 प्लस WXW, और यहाँ से मेरी इक्वेशन आ जाएगी YM+1 इज इक्वल टू LM डिवाइडेड बाई VM+1 इंटू XM माइनस WXW डिवाइडेड बाई VM+1। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी मैं क्या करूँगा, मैं CMO की कंडीशंस के अज्यूम कर लूँगा ताकि हर ट्रे पर जो स्लोप है उसे मैं सेम बना सकूँ। तो एज्यूमिंग द कंडीशंस ऑफ CMO, एज्यूमिंग द कंडीशंस ऑफ CMO, मैं यहाँ पर बार बार लिख रहा हूँ कंडीशंस ऑफ CMO, है ना, बिकॉज जिन्होंने वो प्लस लेक्चर अटेंड किया था आपको पता होगा देर आर सेवन कंडीशंस ऑफ CMO, सेवन पॉइंट्स होते हैं CMO के अंदर। अगर वो सात पॉइंट फुलफिल करते हैं तब CMO एप्लीकेबल होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंडीशंस ऑफ CMO। CMO अपने आप में कोई एजम्पशन नहीं है, CMO एक कंडीशन है जो कि अराइज होती है अगर वो सात एजम्पशंस एप्लीकेबल होती है तो, ठीक है। तो एज्यूमिंग द कंडीशंस ऑफ CMO क्या पॉइंट आएगा हमारे पास, कि जितने लिक्विड फ्लो रेट्स है चाहे वो LM हो या LM+1 हो या LM+2 हो, वो सारे बराबर हो जाएंगे किसके, एल डैश के। और जितने भी वेपर फ्लो रेट्स है चाहे वो VM+1 हो, VM हो, VM-1 हो, वो सारे भी बराबर हो जाएंगे किसके, वी डैश के। या मैंने एल डैश वी डैश क्यों लिखा, जस्ट टू डिफरेंशिएट इन द फ्लो रेट्स ऑफ रेक्टिफाइंग एंड स्ट्रिपिंग। अगर मैं यहाँ भी एल या वी कर देता तो फिर डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता, बिकॉज रेक्टिफाइंग में भी मैंने एल और वी यूज़ किया, और अगर यहाँ भी एल और वी यूज़ करता तो डिफरेंशिएशन मुश्किल था। जैसे याद करो मास ट्रांसफर कोफिशियंट्स के अंदर मैंने बताया था कि डिफ्यूजन ऑफ ए नॉन डिफ्यूजिंग बी के केस में हमारे जो कोफिशियंट्स है वो नॉर्मल वाले भी यूज़ करते हैं, KY, KG और KC, लेकिन अगर इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन में आ जाए तो वहाँ पर फिर हम डैश के साथ यूज़ करते हैं, मतलब K-K-K-, KY-KC-KG-, तो डैश रिप्रेजेंट करता है EMCD के मास ट्रांसफर कोफिशियंट्स को, और डैश ना हो तो डिफ्यूजन ऑफ ए नॉन डिफ्यूजिंग बी के कोफिशियंट्स है। इसी तरह यहाँ पर अगर डैश नहीं है तो रेक्टिफाइंग के फ्लो रेट्स है, और अगर डैश लगा हुआ है तो स्ट्रिपिंग के फ्लो रेट्स है, और इनकी हेल्प से मेरी लाइन आ जाएगी, और वो लाइन होगी YM+1 इज इक्वल्स टू L/V मल्टीप्लाइड बाय XM माइनस XW/V। तो मैं डैश लगा देता हूँ साथ में ताकि डिफरेंशिएट कर पाए कि ये स्ट्रिपिंग के फ्लो रेट्स है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट ये दोनों आपको याद रखना है, और जिस तरह से हमने रेक्टिफाइंग के अंदर रिफ्लक्स इंट्रोड्यूस किया था इसी तरह से यहाँ भी हम रिफ्लक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले इस स्ट्रीम का नाम दे देता हूँ मैं, तो ये स्ट्रीम हमारी होगी एल डैश और ये स्ट्रीम हमारी होगी वी डैश, क्योंकि सारी लिक्विड स्ट्रीम का नाम तो एल डैश आ गया और सारी वेपर का वी डैश आ गया, तो ये एल डैश बन गई और ये वी डैश बन गई, ठीक है। तो जिस तरह से वहां हमने रिफ्लक्स डिफाइन किया था यहां भी रिफ्लक्स डिफाइन करते हैं। सो रिफ्लक्स रेशो फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन, रिफ्लक्स रेशो फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन, डेफिनेशन सेम रहेगी गाइस, नंबर ऑफ मोल्स फेड बैक टू द नंबर ऑफ मोल्स विदड्रॉन। तो नंबर ऑफ मोल्स फेड बैक कितना, वी डैश, और नंबर ऑफ मोल्स विदड्रॉन कितना, डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ पर से हम डिनोट करते हैं आर डैश के साथ, जैसे वहां पर स्ट्रिप रेक्टिफाइंग में आर यूज किया यहाँ पर यूज करेंगे आर डैश, ठीक है।
और इसका नाम अलग करने के लिए हम इसे कई बार बॉयल अप रेशो भी बुलाते हैं। तो आप रिफ्लक्स रेशो फॉर स्ट्रिपिंग बोल सकते हो या फिर आप बॉयल अप रेशो भी बोल सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है, दोनों नाम यूज होते हैं। सो आर डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास वी डैश बाय डब्ल्यू, और अगर मैं कर देता हूँ आर डैश प्लस वन तो ये आ जाएगा वी डैश बाय डब्ल्यू प्लस वन। सो वी डैश प्लस डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एंड वी डैश बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना होता है, एल डैश होता है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं इक्वेशन के अंदर यूज करूँ तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी वाई एम प्लस वन इज इक्वल्स टू आर डैश प्लस वन बाय आर डैश इंटू एक्स एम माइनस एक्स डब्ल्यू बाय आर डैश। तो ये आ गई अपने पास ऑपरेटिंग लाइन इन टर्म्स ऑफ बॉयल अप रेशो, ऑपरेटिंग लाइन ऑफ स्ट्रिपिंग सेक्शन। और गैस इसकी जो शक्ल है ना देखने में, ये बिल्कुल रेक्टिफाइंग की ऑपरेटिंग लाइन जैसी है। शक्ल देखो वाई एम प्लस वन, वहां क्या था, वाई एन प्लस वन इन इज इक्वल्स टू स्लोप, वहां भी स्लोप था, इन टू एक्स एम, वहां क्या था, एक्स एन, और फिर इंटरसेप्ट। तो जो शक्ल है ना, बेसिकली जो पॉइंट्स है जो ऑपरेटिंग लाइन पे लाई करते हैं, जिन पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने निकाली है, वो पॉइंट्स क्या है, एक्स एम एंड वाई एम प्लस वन, वहाँ क्या था, एक्स एन एंड वाई एन प्लस वन। ये सिमिलैरिटी है, इससे याद करना आसान हो जाता है। और यही रीज़न है कि मैंने इस डायग्राम में इस ट्रे का नाम एम प्लस वन दिया है, क्योंकि अगर मैं इस ट्रे का नाम देता एम एम एथ, तो क्या होता, ये जो लिक्विड है ये बन जाता है एल एम माइनस वन एक्स एम माइनस वन, और ये वेपर स्ट्रीम बन जाती वाई एम वी एम। तो आपकी जो ऑपरेटिंग लाइन आती वो किस फॉर्म में आती, वाई एम इक्वल्स टू आर डैश प्लस वन बाई आर डैश इंटू एक्स एम माइनस वन माइनस एक्स डब्ल्यू बाई आर डैश, ऐसे आती। तो हालांकि मैथमेटिकली सेम मीनिंग है, बट दिखने में दोनों अलग अलग थी तो याद करना मुश्किल हो जाता। सो दोनों में सिमिलैरिटी लाने के लिए मैंने क्या किया कि उस ट्रे का नाम, जो हमारी स्ट्रिपिंग सेक्शन की ट्रे थी पहले वाली, उसका नाम एम की जगह मैंने एम प्लस वन रखा, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली, सो दैट मेरी जो ऑपरेटिंग लाइन की जो बेसिक फॉर्म है वो सेम आए, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो स्लोप है उसको ध्यान रखना है, तो स्लोप कितना है, आर डैश प्लस वन बाय आर डैश इज इक्वल्स टू एल डैश बाय वी डैश, ठीक है, ये हमारा स्लोप हो गया। और इसके अलावा हमारे पास इंटरसेप्ट है जी, इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट है माइनस एक्स डब्ल्यू बाय आर डैश, एंड यहाँ पर इंटरसेप्ट कितना है, एक और था माइनस डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी डैश, ठीक है। और जैसे एक्स डी पॉइंट रेक्टिफाइंग सेक्शन के ऑपरेटिंग लाइन को सेटिस्फाई करता है, इसी तरह एक पॉइंट यहाँ भी है जो इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, और उस पॉइंट का नाम है एक्स डब्ल्यू। सो एक्स डब्ल्यू इज द पॉइंट दैट सेटिस्फाइज द स्ट्रिपिंग लाइन, ठीक है। सो एक्स डब्ल्यू ये वो पॉइंट है, इज द पॉइंट लाइज ऑन द स्ट्रिपिंग लाइन, ठीक है। तो जैसे उस लाइन के अंदर तीन बातें हमें ध्यान रखनी थी, यहां पर भी तीन बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा, वहां पे रिफ्लेक्स रेशो था, यहां पे बॉयल अप रेशो है, और ये जो वी डैश होता है, वी डैश को हम बॉयल अप रेट भी बुलाते हैं। इसे हम क्या बुलाते हैं, बॉयल अप रेट। इसी तरह वहां पे न्यूमिनेटर में क्या था, एल, तो एल को क्या बुलाते हैं, रिफ्लक्स रेट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, एल को हम बुलाते हैं रिफ्लक्स रेट।
ओके, तो गाइस इतना क्लियर है सबको? गौरव शाह सर, ये आपने शॉर्ट्स में बताया था? अच्छा, शॉर्ट्स में बता रखा मैंने, ग्रेट, फिर तो बहुत अच्छी बात है गाइस। आप वो शॉर्ट्स देख सकते हो अगर आपको सीएमओ के बारे में और जानना है तो। अभिषेक सर, लाइब्रेरी में बैठा था सर मैं अभी, बहुत हंसी आ रही थी, सर ने बाहर निकाल दिया लाइब्रेरी से। नहीं अभिषेक, तुम सर को समझाते ना कि सर बात तो सही है ना, वो टैगलाइन नहीं है, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, तो वो टैगलाइन दोनों के लिए है यार, वो सबको हक है, समान अधिकार है, समानता का अधिकार है हमारे देश में, तो समझाते तुम लाइब्रेरियन को। ओके ग्रेट, तो ऑपरेटिंग लाइन हमारे पास आ चुकी है रेक्टिफाइंग सेक्शन की, ऑपरेटिंग लाइन हमारे पास आ चुकी है स्ट्रिपिंग सेक्शन की, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑपरेटिंग लाइन फीड सेक्शन की, बट फीड सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन से पहले हमें यह समझना है कि टाइप्स ऑफ फीड कितनी होती है, क्या फीड एक ही तरह की होती है या फिर कई तरह की फीड हो सकती है पॉसिबल, तो उसके बारे में हमें समझना है। तो वो बढ़ाने से पहले गाइस, आप में से जो बच्चे पीडीई कर रहे हैं, मतलब कि प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अभी शैलेंद्र सर से, तो शायद उनकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आप अभी जाकर उनको उनका लेक्चर अटेंड कर सकते हो, ठीक है, और बाकी का लेक्चर यहाँ से फिर आप बाद में देख लेना, है ना। बट वो प्लस की क्लास है, जाकर वो क्लास ज़रूर देखो, है ना। ऐसा मत करना कि इस लेक्चर की वजह से आप वहाँ ना जाओ, ठीक है। तो बाद में शैलेंद्र सर मुझे बहुत समझाते हैं कि यार छोड़ दिया करो क्लास, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो मैं क्लास कंटिन्यू रखूँ, तो पीडी वाले बच्चे पीडी में चले जाओ, पीडी करो आराम से बैठ के। ओके, तो टाइप्स ऑफ फीड का डिस्कशन कर लेते हो। ठीक है मुकेश, ठीक है गौरव, है ना, जो भी बच्चे हैं आराम से जाओ पीडी देखो, है ना, बाकी का आगे देख लेना रिकॉर्डेड बाद में। तो टाइप्स ऑफ फीड की बात कर लेते हैं गाइस, और पीछे लगता है कोई सेलिब्रेशन हो रहा है ना, शादी भी हो रहा लगता है किसी का, डम 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 स्टार्ट हो गया। सो इस डम 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 में तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, अपना फोकस बनाए रखना, ठीक है, कि बल्ले बल्ले तुम्हारे दिमाग में भी चलने लग जाए, बल्ले बल्ले। हाँ थैंक यू अभिषेक, थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल, है ना। हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फीड के बारे में, और जाके बता देना शैलेंद्र सर को लेक्चर में भी कि अंकुर सर ने हमें जबरदस्ती भेजा है, हमारा जाने का मन नहीं था, ठीक है। थोड़ा एक दो पॉइंट मार देना है। सो टाइप्स ऑफ फीड, सो सबसे पहले हमारे पास आती है सैचुरेटेड लिक्विड फीड। कौन सी फीड आती है जी? सैचुरेटेड लिक्विड फीड, ठीक है। अब फीड को डिफाइन करने के लिए हमें एक चीज को डिफाइन करना पड़ेगा, और वो है क्यू। क्यू क्यू क्या है? फ्रैक्शन ऑफ फीड दैट इज इन लिक्विड, फ्रैक्शन ऑफ फीड दैट इज इन लिक्विड, ठीक है। तो हमारे पास आती है सबसे पहले सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। तो सैचुरेटेड लिक्विड के लिए हमारे जो क्यू है, क्यू की वैल्यू कितनी होती है? 1, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड में 100% लिक्विड होता है, 100% लिक्विड, ओके। और गाइस सैचुरेटेड लिक्विड के लिए जो हमारे फ्लोरेट्स का रिलेशन होता है, दैट इज वी इज इक्वल्स टू वी डैश एंड एल इज लेस देन एल डैश। ये रिलेशन वैसे तो हमें फीड ट्रे डायग्राम से पता लगता है, बट मैं यहाँ पे फीड ट्रे डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको जो हमारे पास मास बैलेंस का रिलेशन है वो बता देता हूँ, वहां से फिर आप ये रिलेशन निकाल सकते हो। तो मास बैलेंस का क्या रिलेशन है? वी इज इक्व टू वी डैश प्लस 1 माइनस क्यू इन टू एफ, और दूसरा एल डैश इज इक्व टू एल प्लस क्यू एफ। ये हमारे पास मास बैलेंस का रिलेशन है, और ये हमारे पास कैसे आते हैं? फीड ट्रे पर बैलेंस करके। अगर हम फीड ट्रे पर बैलेंस करते हैं तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है।
तो क्यू को वन रख दो, आप देख लो क्यू को वन आपने रखा तो वी की वैल्यू वी डैश आ जाएगी, और क्यू को अगर आप वन रखते तो एल डैश की वैल्यू एल से ज़्यादा आ जाएगी। दूसरी फीड हमारे पास होती है सेचुरेटेड वेपर फीड, सेचुरेटेड वेपर फीड। तो गाइस सेचुरेटेड वेपर फीड में कोई लिक्विड नहीं होता है, और क्योंकि कोई लिक्विड नहीं होता है इसलिए क्यू की वैल्यू आपकी जीरो होती है, और जो हमारा रिलेशन है अगर क्यू को जीरो रख दो आप तो साफ साफ दिख रहा है कि वी की वैल्यू तो वी डैश से ज़्यादा होगी, और क्यू को जीरो रखे तो एल डैश और एल की वैल्यू बराबर हो जाएगी। सो एल और एल डैश की वैल्यू आ जाएगी बराबर, मतलब कि इक्वल। ठीक है, इसके बाद हम बात करें पार्शियल लिक्विड फीड की। तो पार्शियल लिक्विड फीड की बात करो या पार्शियल वेपर फीड की बात करो, ठीक है, जनरली अगर पार्शियल लिक्विड होता है तो पार्शियल लिक्विड के केस में जो मेरी क्यू वैल्यू होती है वो 0.5 और 1 के बीच में होती है, दैट मीन्स 0.5 to Q to 1। और जो पार्शियल वेपर होती है वहाँ पर मेरी क्यू की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 0.5 से छोटी होती है। बट मोस्टली बुक्स में इस केस को हम ऐसे दिखाते हैं लाइक दिस, कि जो क्यू वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। जब ऐसा बोला जाए 0 से 1 के बीच में तो मतलब वो पार्शियल लिक्विड पार्शियल वेपर में कुछ भी हो सकता है ना। स्पेसिफिकली अगर ये रेंज है मतलब क्यू की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है तो आप श्योरिटी से बोल सकते हो वो पार्शियल लिक्विड है, या क्यू की वैल्यू 0 और 0.5 के बीच में है तो आप श्योरिटी से बोल सकते हो वो पार्शियल वेपर है। ठीक है, बट बुक्स में आपको ये रेंज दी हुई है, मतलब बुक्स में इन दोनों को वो डिफरेंट केस कंसिडर नहीं करता, बट एक्चुअली मैं बता दूँ दोनों केस डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। ठीक है, तो दोनों ही केसेस के लिए हमारा जो रिलेशन है वो सेम रहता है, मतलब आप चाहे ये वैल्यू लो या ये वैल्यू लो, अगर क्यू की वैल्यू 1 से कम होती है और 0 से ज़्यादा होती है तो हमारा जो रिलेशन आएगा दैट इज़ कि वी की वैल्यू वी डैश से ज़्यादा होगी। ठीक है, आप देख सकते हो क्यू को आप कुछ भी पुट करो 0 से 1 के बीच में तो वी की वैल्यू वी डैश से ज़्यादा होगी, और एल की वैल्यू एल डैश की वैल्यू एल से भी ज़्यादा होगी, तो एल की वैल्यू कम हो जाएगी एल डैश की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली वेपर बढ़ जाएगी और ये वाला लिक्विड बढ़ जाएगा, मतलब जो लिविंग स्ट्रीम्स है ना, एक तो ये वेपर है ये लिविंग है, ये एल डैश भी लिविंग है, जो लिविंग स्ट्रीम्स है उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो चाहे पार्शियल लिक्विड हो या पार्शियल वेपर हो, आपकी जो लिविंग स्ट्रीम्स होती है उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब कि रेक्टिफाइंग सेक्शन में वेपर फ्लो रेट स्ट्रिपिंग सेक्शन के वेपर फ्लो रेट से ज़्यादा होगा, और स्ट्रिपिंग सेक्शन का लिक्विड फ्लो रेट रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिक्विड फ्लो रेट से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारी हो गई 3 टाइप की फीड, इसके अलावा 2 टाइप की फीड और है। फोर्थ नंबर पे आती है हमारे पास कोल्ड लिक्विड फीड, कोल्ड लिक्विड फीड। ठीक है, अभी जो कोल्ड लिक्विड फीड होती है गाइस, इसके लिए क्यू की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 1 आती है, इक्वल्स टू 1 नहीं आती, ग्रेटर देन 1 आती है, बिकॉज इसके पास सेचुरेटेड लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी है ऑन द अदर साइड, मतलब कि कोल्ड लिक्विड को अगर मुझे सेचुरेटेड वेपर बनाना है तो इसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पर क्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, और अगर क्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी तो ऐसे में क्या होगा गैस, ऐसे में जो हमारा वेपर है ऊपर जाने वाला, ठीक है, लाइक सेचुरेटेड लिक्विड में तो वेपर सेम था, बट अब हमारा वेपर सेम नहीं होगा, इनफैक्ट जो मेरा वेपर फ्लो रेट रेक्टिफाइंग सेक्शन वाला है वो कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द स्ट्रिपिंग सेक्शन, बिकॉज कोल्ड लिक्विड क्या करता है, कोल्ड लिक्विड वेपर को ज़्यादा कंडेंस कर लेता है, इस वजह से जो वेपर ऊपर जाने वाला था उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड है तो फिर रेक्ट स्ट्रिपिंग सेक्शन का फ्लो रेट तो ज़्यादा रहेगा ये लिक्विड की फॉर्म में। तो ये हमारे पास रिलेशन आते हैं, मतलब कोल्ड लिक्विड फीड के केस में हमारे स्ट्रिपिंग सेक्शन के जो फ्लो रेट्स होते हैं वो रेक्टिफाइंग सेक्शन के फ्लो रेट से ज़्यादा होते हैं, द स्ट्रिपिंग सेक्शन फ्लो रेट्स चाहे वो लिक्विड हो या वेपर दैट आर ग्रेटर देन द रेक्टिफाइंग सेक्शन फ्लो रेट्स। और लास्ट में हमारे पास फीड आती है सुपर हीटेड वेपर फीड, सुपर हीटेड वेपर फीड। तो सुपर हीटेड वेपर फीड के अंदर हमारी जो क्यू वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम तो सैचुरेटेड वेपर बनाना है बट यहाँ पर तो सुपर हीटेड वेपर है, तो सुपर हीटेड वेपर से सैचुरेटेड वेपर बनाने के लिए हीट रिक्वायर्ड नहीं होगी, हीट रिलीज होगी। तो हीट रिक्वायर्ड को हमने अब तक पॉजिटिव लिया तो हीट रिलीज हमारी नेगेटिव हो जाती है, इस वजह से क्यू लेस देन जीरो हो जाता है। और इस केस में हमारे जो रेक्टिफाइंग सेक्शन के फ्लो रेट्स हैं दोनों वो स्ट्रिपिंग सेक्शन के फ्लो रेट से ज़्यादा होते हैं, मतलब रेक्टिफाइंग सेक्शन में आपको ज़्यादा फ्लो रेट देखने को मिलेगा।
चाहे वो लिक्विड हो चाहे वेपर, दोनों में आपको रेक्टिफाइंग सेक्शन के फ्लोरेट, स्ट्रिपिंग सेक्शन के फ्लोरेट से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पांच तरह की फीड आती है और इन पांच तरह की फीड की क्यू वैल्यूज और साथ में साथ इस पांच तरह की फीड की रिलेशंस। मैथ स्टडी पॉइंट, सर माय फर्स्ट क्लास टुडे, टाइमिंग रोज यही है? यस, रोज 5 बजे की टाइमिंग है, तो आप डेली 5 बजे आकर क्लासेस अटेंड कर सकते हो और पिछली जो क्लासेस हुई थी उनको भी आप इसी चैनल में जाके देख सकते हो। इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्रैश कोर्स ऑफ मास्टर आंसर के नाम से, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी के सारे लेक्चर्स देख सकते हो। अमनदीप सर, आप ये सब जो ऐसा पढ़ा रहे हैं ना, प्लस का मस्त दिमाग में आपका वाला हुआ सब रिकैप हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है मनदीप। एंड और ये रिकैप इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने रिवीजन अच्छे से की है, है ना? तो सारी बातें जो मैं प्लस में बोलता था आपको याद आ रही होगी अब। आकी पठान सर, आई हैव एन इंटरव्यू ऑफ एलएनटी दिस थर्सडे एंड आई एम रिपीटिंग योर नोट्स एंड फीलिंग लकी सो मच दैट आई स्टडीड फ्रॉम यू। ऑल द बेस्ट आकिब। और मैं आपको बता दूं कि अगर जितना नोट्स में मैंने पढ़ाया अगर उतना आप ठीक ठाक रिवाइज करके चले गए ना, तो ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है इंडिया के अंदर जो आप क्लियर ना कर पाओ। ठीक है, पता नहीं कितने ही बच्चे इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज का था, पीएससी उसका था, जस्ट बिकॉज वो हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर मुझसे पढ़े हुए हैं। तो अगर आपके पास वही नोट्स, आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो देखना आपका इंटरव्यू कमाल का जाने वाला, गजब जाने वाला है बिल्कुल। चलिए, तो गाइज ये पांच तरह की फीड नोट डाउन हो गई। इसमें कोई डाउट पूछना है किसी को टाइप्स ऑफ फीड के अंदर? एनी क्वेश्चंस? सर, आई हैव 2 ईयर गैप आफ्टर 12th, विल इट क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन प्लेसमेंट्स? नो एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइस। टाइप ऑफ फीड तो हमने पढ़ लिया, और अब हम आते हैं फीड लाइन के इक्वेशन पे। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ फीड लाइन, तो जैसे हमने स्ट्रिपिंग सेक्शन का डायग्राम बनाया, रेक्टिफाइंग सेक्शन का डायग्राम बनाया, फीड सेक्शन तो कुछ नहीं होता बट फीड ट्रे होती है हमारे पास एक, और इस फीड ट्रे की खास बात क्या है कि यहां पर फीड आती है। फीड ट्रे के नीचे स्ट्रिपिंग सेक्शन होता है, मतलब जो लिक्विड नीचे जा रहा है वो ऑब्वियसली स्ट्रिपिंग में जा रहा है इसलिए एल डैश, जो वेपर आ रही है फीड पे वो स्ट्रिपिंग से आ रही है इसलिए वी डैश, जो वेपर जाएगी वो रेक्टिफाइंग में जाएगी इसलिए वी, और जो लिक्विड आएगा वो रेक्टिफाइंग से आएगा इसलिए एल। तो ये होता है फीड ट्रे पर, मतलब फीड ट्रे बाकी सारी ट्रे से स्पेशल होती है बिकॉज फीड ट्रे पर 4 नहीं 5 स्ट्रीम होती है आपकी, 4 नहीं होती 5 होती है, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, सो टोटल इन कितना है? हमारे पास वी डैश आ रहा है नीचे से, एल आ रहा है ऊपर से, और एक आ रही है फीड, इज इक्वल्स टू जा कितना रहा है हमारे पास? जा रहा है वी जा रहा है हमारे पास, क्या गोइंग स्ट्रीम है, लीविंग स्ट्रीम है हमारे पास वी, और साथ में लीविंग स्ट्रीम है हमारे पास एल डैश। तो ये हमारा टोटल मटीरियल बैलेंस हो जाता है। ठीक है, और इस मटेरियल बैलेंस में जो हमने रिलेशन लिखा था, V इज इक्वल्स टू वी डैश प्लस 1 माइनस Q इनटू F एंड L डैश इज इक्वल्स टू L प्लस QF, उसका यूज करें अगर इस रिलेशन के अंदर,
तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है कंपोनेंट बैलेंस लगाने के बाद, एंड दैट इज एल माइनस एल डैश डिवाइडेड बाय वी माइनस वी डैश इंटू एक्स प्लस एफ एक्स एफ डिवाइडेड बाय वी माइनस वी डैश। तो ये इक्वेशन नहीं पता होती बच्चों को जनरली, बस क्यू की फॉर्म वाली जो इक्वेशन है वो पता होती है, बट आई वॉन्ट कि आप इस इक्वेशन को भी याद रखो, ज़्यादा नहीं तो इसका स्लोप तो याद रख ही सकते हो। ठीक है, ये हमारा मटेरियल बैलेंस है फीड ट्रे के ऊपर, और इस मटेरियल बैलेंस के बाद कंपोनेंट बैलेंस करके रीअरेंजमेंट करके, ठीक है, फिर हम ये वाले इक्वेशन निकाल लेते हैं। प्लस के अंदर मैंने बताई है इसकी डेरिवेशन, ठीक है, तो वहाँ से आप देख भी सकते हो। और इसके बाद इसको क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, एंड वो दैट बिकम्स माइनस क्यू डिवाइडेड बाय वन माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस एक्स एफ डिवाइडेड बाय वन माइनस क्यू। तो ये हमारे पास आ जाती है ऑपरेटिंग लाइन। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को तो जानते ही होंगे, बट इस इक्वेशन को भी आई वॉन्ट कि आप जानो, और स्लोप को आप याद रखो, एटलीस्ट स्लोप इंपॉर्टेंट है। तो फीड लाइन का स्लोप क्या होता है, माइनस क्यू बाय वन माइनस क्यू तो होता ही है, बट साथ ही साथ एल माइनस एल डैश अपॉन वी माइनस वी डैश ये भी होता है, इसे याद रखना। ठीक है, तो ये हमारी फीड लाइन की क्वेश्चन हो गई, और क्योंकि अब हमारे पास स्लोप आ चुका है तो क्यू की वैल्यूज की हेल्प से हम स्लोप देख सकते हैं कितना होगा। तो सैचुरेटेड लिक्विड फीड के लिए हम जानते हैं कि Q की वैल्यू 1 होती है, और Q की वैल्यू 1 होती है इसीलिए हमारा जो स्लोप होगा कितना होगा, हमारा जो स्लोप होगा वो इनफाइनाइट होगा। सैचुरेटेड लिक्विड के लिए हमारा स्लोप इनफाइनाइट होता है। इसी तरह सैचुरेटेड वेपर के लिए हम जानते हैं कि Q की वैल्यू 0 होती है, और Q की वैल्यू 0 होती है इसलिए स्लोप हमारा क्या होता है, 0 हो जाता है। इसके अलावा पार्शियल लिक्विड या पार्शियल वेपर, इन दोनों के लिए जो हमारी क्यू की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में रहती है, और इसीलिए अगर आप 0 से 1 में कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर रखो और चेक करो तो आपका जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, कोल्ड लिक्विड की बात करें तो कोल्ड लिक्विड के लिए हम जानते हैं कि क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और क्यू की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 अगर यहाँ पर रखते हैं तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर सुपर हीटेड वेपर की बात करें तो सुपर हीटेड वेपर के लिए हमारा क्यू लेस देन 0 होता है, और इसीलिए इसका जो स्लोप है वो फिर से पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, तो इनफिनाइट स्लोप होता है सैचुरेटेड लिक्विड के लिए, 0 स्लोप होता है सैचुरेटेड वेपर के लिए, नेगेटिव स्लोप होता है पार्शियल लिक्विड या पार्शियल वेपर के लिए, कोल्ड लिक्विड के लिए पॉजिटिव स्लोप होता है, और सुपर हीटेड वेपर के लिए भी पॉजिटिव स्लोप होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये गाइस इक्वेशन ऑफ फीड लाइन, अब सारी इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। फीड लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई, रेक्टिफाइंग लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई, और स्ट्रिपिंग लाइन की इक्वेशन भी हमारे पास आ गई। तीनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, तो अब हम तैयार है, रेडी है अपना मैकैप थिले डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, सो नाउ लेट अस फोकस ऑन द मैकैप थिले डायग्राम। श्योर मनदीप, यूट्यूब पे पता नहीं अलाउड है नहीं, प्लस में तो मैं ले आता हूँ एक बार ले आऊंगा श्योर, बाकी आपको धानु की आवाजें तो आ ही रही होगी। ठीक है, उसकी आवाज़ तो बैकग्राउंड में हमेशा रहती रहती है। सो मैं कैप थिले डायग्राम की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर मेरे पास स्केल नहीं है, क्या यहाँ पर हमारे पास स्केल है?
ड्रॉ ड्रॉ करने की फैसिलिटी तो है। रूलर है, इंसर्ट कर सकते हैं हम शेप्स को। तो एक तो हम ये डब्बा ले लेते हैं, ठीक है, ये वाइट हो सकते हैं क्या? येलो, ठीक है चलो। और इसके बाद एक डायगोनल लाइन बना लेते हैं इस पे, है ना? एक डायगोनल लाइन बना ली हमने, आई थिंक इतना अभी के लिए काफी है, ठीक है? तो ये हमारी हो गई वाई एक्सिस एक तरह से। और कुछ इंसर्ट करेगा शेप्स में, ये भी लगा लेते हैं हम एक। ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, एंड अगेन दिस वन विल बी आर एक्स एक्सिस, ठीक है? कुछ तो बन जाएगा। तो ये हमारी हो गई वाई एक्सिस वाई ए, एंड दिस इज आर एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स ए, ठीक है? ये डायगनल लाइन है, डायगनल लाइन मतलब कि वाई इक्वल्स टू एक्स। डायगनल लाइन हमें ये बताती है कि हमारा जो रीजन है वो दो तरह के रीजन है, एक तो वो जो वाई गर्दन एक्स है और एक वो जो एक्स गर्दन वाई है। और डिस्टिलेशन तभी होती है जब रीजन वाई ग्रेटर देन एक्स का होता है, इसलिए किसी भी डिस्टिलेशन में तुम्हें जो भी डायग्राम मिलता है वो डायगनल के ऊपर मिलता है, नीचे कुछ नहीं होता, ठीक है? तो इसके बाद हम बनाते हैं ऑपरेटिंग लाइन अपनी। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कर्व, तो इक्विलिब्रियम कर्व बना लेते हैं। कर्व हमें मैनुअली ही बनानी पड़ेगी, तो ये हमारे पास आ गई इक्विलिब्रियम कर्व। ठीक है, ठीक ठाक करवा गई। ओके, अब इसके बाद हम बनाते हैं क्या? इसके बाद हम बनाएंगे अपनी फीड लाइन, ठीक है? सबसे पहले क्या बनाया जाती है? सबसे पहले बनाया जाता है फीड लाइन। तो हमारे पास ये पॉइंट है, क्या पॉइंट है? एक्स एफ, दिस पॉइंट इज एक्स एफ, ठीक है? और आप अगर फीड लाइन पे, जैसे मैंने अभी लिखवाया था स्ट्रिपिंग के लिए, रेक्टिफाइंग के लिए, इसी तरह फीड पे भी होता है, क्या होता है कि जो पॉइंट होता है ना एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ, वो फीड लाइन पे लाई करता है। एक्स एफ इज द पॉइंट, इज द पॉइंट दैट लाइज ऑन द फीड लाइन। एक्स एफ वो पॉइंट है जो फीड लाइन पे लाई करता है। आप देख भी सकते हो, आप एक्स को एक्स एफ पुट करना, चेक कर लेना, वाई की वैल्यू भी एक्स एफ आएगी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा फीड लाइन। तो फीड लाइन ड्रॉ करने के लिए एक बार फिर हम छोटे हो जाते हैं थोड़े से, ठीक है? तो फीड लाइन हम बनाते हैं, फीड लाइन कैसी बनाई जाती है गाइस? सबसे पहले फीड लाइन बनाई जाती है टिल इक्विलिब्रियम, ठीक है? फीड लाइन बनाई जाती है टिल इक्विलिब्रियम। अब फीड लाइन को इक्विलिब्रियम तक बनाने के बाद, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारे पास जैसे एक्स एफ पॉइंट डिफाइन है, इसी तरह मेरे पास एक और पॉइंट डिफाइन है और वो है एक्स डी एक्स डी। ये मेरे पास पॉइंट है एक्स डी, ठीक है? ये मैं एक्स को अभी के लिए हटा ही देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अरे अरे, अभी नहीं हो रहा, अजीब बात है। तो मैं ये एक्स को यहाँ लगा, एक्स डी को लगा देता हूँ, ठीक है?
और ये पॉइंट में हमारे पास क्या होता है, XD। तो फीड लाइन अपने पास आ गई। अब फीड लाइन के बाद हम ड्रॉ करते हैं ऑपरेटिंग लाइन फॉर द रेक्टिफाइंग सेक्शन। ठीक है, तो अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ ऑपरेटिंग लाइन ऑफ द रेक्टिफाइंग सेक्शन किस पॉइंट से, XD XD से। सो XD XD से मैंने ये फीड लाइन ड्रॉ करी। मेरे भाई साहब, फीड लाइन कहाँ ड्रॉ हो गए तुम? तो ये हमने फीड लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ये यह हमारी होगी ऑपरेटिंग लाइन फॉर द रेक्टिफाइंग सेक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंबाइन कर गई। ये मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको, मैकेप्थेले ऐसे ही बनाते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कर्व बनाई जाती है, स्टेप नंबर वन। ठीक है, दूसरा स्टेप पॉइंट्स प्लॉट कर दिए जाते हैं, एक पॉइंट XF, एक पॉइंट XD और एक पॉइंट है XW। पॉइंट्स प्लॉट कर दिए जाते हैं। स्टेप नंबर थ्री, फीड लाइन बनाई जाती है कहाँ तक, इक्विलिब्रियम तक। स्टेप नंबर फोर, ऑपरेटिंग लाइन ऑफ एनरिचिंग सेक्शन बनाई जाती है ताकि वो फीड लाइन और इक्विलिब्रियम के इस इंटरसेक्शन को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, और इसके बाद हम इस लाइन का, ये जो हमारे पास ऑपरेटिंग लाइन ऑफ एनरिचिंग सेक्शन है, इस लाइन का स्लोप डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, और इस लाइन का जो स्लोप आता है वो कितना आता है, इस लाइन का स्लोप होता है R/R+1। लेकिन ये मिनिमम स्लोप आता है। कितना स्लोप आता है? मिनिमम स्लोप। क्यों? क्योंकि गाइस, अगर मैं यहां पर एक्सिस बनाता हूं आपके लिए, तो ये हमारा थीटा होता है इस लाइन का, दिस इज थीटा। और ये जो लाइन है ना, एक्चुअल में जो ऑपरेटिंग लाइन होती है रेक्टिफाइंग सेक्शन की, वो इक्विलिब्रियम को कट नहीं करती। तो एक्चुअल में हो तो वो नीचे बनाई जानी है, मतलब ये लाइन ऐसी आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है, मतलब ये लाइन अल्टीमेटली आनी नीचे है। ठीक है, तो थीटा ज्यादा हो सकता है और एक्चुअल में ज्यादा ही होता है, लेकिन अभी जो मैंने लाइन बनाई है, ये लाइन इक्विलिब्रियम को कट कर रही है और ये लाइन इससे ऊपर मैं नहीं बना सकता, बिकॉज लाइन को इससे ऊपर लेके जाने का मतलब है इक्विलिब्रियम को क्रॉस करना, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो थीटा होता है, ये थीटा मिनिमम थीटा होता है, और क्योंकि थीटा मिनिमम होता है, इसलिए R/R+1 भी मिनिमम होता है। और इस R/R+1 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ कैसे, ये पॉइंट है मेरे पास XD XD, और यहाँ पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, इसका एक्स एक्सिस है XF और इसकी एक वाई एक्सिस भी है। मान लेते हैं कि वाई एक्सिस जो पॉइंट है वो है Y-। ठीक है, तो इस पॉइंट का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या वैल्यू आएगी? एक तो आएगी XD-Y-, और दूसरी वैल्यू आएगी XD-, जैसे ये XF है, तो थोड़ी देर के लिए इस XF को भी X- बना देते हैं, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू मान लेते हैं X-Y-, और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो हमें पता ही है, दैट इज XD, XD। सो XD-Y- डिवाइडेड बाय XD-X-, तो इसे सोल्व करके हमारे पास आर मिनिमम की वैल्यू आ जाती है। दैट इज हाउ वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर मिनिमम। और आर मिनिमम आता है XD-Y- डिवाइडेड बाय Y-X-। और ये वो फॉर्मूला है गाइस जो डिस्टिलेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इनफैक्ट गेट में इस फॉर्मूले के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये फॉर्मूला भी कहाँ से आता है? मैकेप्थेले डायग्राम से। अब इसके बाद आर ऑप्टिमम की वैल्यू निकाली जाती है, और आर ऑप्टिमम की वैल्यू जनरली 1.1 से लेके 1.5 के बीच में रहती है ऑफ द आर मिनिमम। तो कोई भी एक सूटेबल फैक्टर लेके हम आर ऑप्टिमम निकाल सकते हैं। आर ऑप्टिमम आने के बाद दोबारा से स्लोप निकालेंगे, विच इज आर ऑप्टिमम डिवाइडेड बाय R_OPT+1। उस स्लोप को टेंजेंट थीटा के इक्वल करके हम थीटा ऑप्टिमम निकाल लेंगे। और जैसे ही मेरे पास थीटा ऑप्टिमम आएगा, तो थीटा ऑप्टिमम की हेल्प से मैं एक एक्चुअल ऑपरेटिंग लाइन बना सकता हूँ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थीटा ऑप्टिमम वी कैन ड्रॉ द एक्चुअल ऑपरेटिंग लाइन। तो जो हमारी एक्चुअल ऑपरेटिंग लाइन है वो थोड़ी नीचे आती है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये इसे इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो हमारा थीटा होता है ना, ये वाला जो थीटा होता है,
ये हमारा थीटा ऑप्टिमम होता है, दिस इज माई थीटा ऑप्टिमम, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है इसका थीटा मिनिमम थीटा होता है, इसका यूज आर मिनिमम निकालने के लिए है, आर मिनिमम की हेल्प से आर ऑप्टिमम आ जाएगा और आर ऑप्टिमम से एक्चुअल ऑपरेटिंग लाइन आ जाएगी। और जैसे ही मेरे पास एक्चुअल ऑपरेटिंग लाइन आ जाती है उसके बाद हम स्ट्रिपिंग सेक्शन वाली जो लाइन है वो प्लॉट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गई स्ट्रिपिंग सेक्शन वाली लाइन, ठीक है। और फाइनली मेरे पास ये मैकैप्थले डायग्राम आ गया। तो ये गाइस स्टेप्स होते हैं मैकैप्थले डायग्राम बनाने के। तो कभी आपको अगर इंटरव्यू में मैकैप्थले डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए तो याद रखना मैकैप्थले डायग्राम ऐसे ही बनाना है हमेशा। सबसे पहला स्टेप ड्रॉ द इक्विलिब्रियम लाइन या इक्विलिब्रियम कर्व, सेकेंड स्टेप प्लॉट द पॉइंट्स एक्स डी एक्स एफ एक्स डब्ल्यू, थर्ड स्टेप ड्रॉ द फीड लाइन टिल इट हिट्स द इक्विलिब्रियम कर्व, फोर्थ पॉइंट जॉइन द पॉइंट एक्स डी एक्स डी विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फीड लाइन एंड द इक्विलिब्रियम कर्व, देन नेक्स्ट पॉइंट फाइंड द स्लोप एंड कंपेयर इट विद आर बाय आर प्लस वन मिनिमम, नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द आर मिनिमम एंड हेंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर ऑप्टिमम, एट्थ पॉइंट कैलकुलेट द ऑप्टिमम स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन ऑफ द एनरिचिंग सेक्शन, डिटरमाइन थीटा एंड प्लॉट द लाइन ग्राफिकली ऑन द डायग्राम, नाइन्थ पॉइंट जॉइन दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फीड लाइन एंड द ऑपरेटिंग लाइन ऑफ द एनरिचिंग सेक्शन विद द पॉइंट एक्स डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू एंड ड्रॉ द स्ट्रिपिंग लाइन एंड यू हैव योर मैकैप्थले डायग्राम। ये आपका मैकैप्थले डायग्राम बन जाता है, ठीक है। तो गाइस ये मैकैप्थले डायग्राम की फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन सबको समझ में आई क्या? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। सुनील कुमार पूछ रहे कि बीपीसीएल आरएनडी सेंटर नोएडा से अप्रेंटिसशिप कर ले सही है या आईओसीएल रिफाइनरी से? दोनों बराबर है, कहीं से मर्जी कर लो, ठीक है। बस ये याद रखना कि अप्रेंटिस के अंदर कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि आपको कंफर्म करेंगे ही या परमानेंट करेंगे ही। तो ये सोच के मत अप्रेंटिसशिप करना कि अब और कुछ करने की नीड नहीं है, बस इसी पर ध्यान देना है। गेट की तैयारी करते रहना, पीएससी का एग्जाम देते रहना। अप्रेंटिसशिप इज़ नॉट ए परमानेंट जॉब, ठीक है। तो आप कहीं भी करो, बस इस थॉट के साथ करना। ओके, तो ये हमारा मैकैप्थले डायग्राम था। अब इस मैकैप्थले डायग्राम में हम क्या कर सकते हैं? स्टेप्स बना सकते हैं और स्टेप्स बना के हमें पता लग जाएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टेजेस हमें चाहिए होते हैं फॉर द डिजायर्ड सेपरेशन, ठीक है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेजेस आर रिक्वायर्ड फॉर द डिजायर्ड सेपरेशन, दैट वी कैन कैलकुलेट। तो सबसे पहला स्टेप हमें एक्स डी एक्स डी से स्टेप्स बनाना शुरू करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। फिर आगे आते हैं दूसरे स्टेप पे। ये हुआ हमारा दूसरा स्टेप। फिर आते तीसरे स्टेप पे। ठीक ठाक डायग्राम बन जाता है माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी में भी। ये आ गया हमारा तीसरा स्टेप। फिर आते चौथे स्टेप पे। और यही हमारा फाइनल स्टेप है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। या तो XW पॉइंट रीच हो जाए या फिर XW पॉइंट क्रॉस हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया नंबर ऑफ स्टेप्स, और नंबर ऑफ स्टेप्स बनाकर आप देख सकते हो कि 1, 2, 3 एंड 4 नंबर ऑफ स्टेजेस आर रिक्वायर्ड फॉर द डिजायर्ड सेपरेशन। सो मैकैप्थले डायग्राम अल्टीमेटली हमें क्या बताता है? मैकैप्थले डायग्राम
मैकैप थिले डायग्राम टेल्स अस अबाउट मैकैप थिले डायग्राम टेल्स अस अबाउट द रिक्वायरमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टेजेस द रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टेजेस फॉर द डिजायर्ड सेपरेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टेजेस फॉर द डिजायर्ड सेपरेशन ये याद रखना गाइस। तो मैकैप थ्री डायग्राम हमें ये नहीं बताता कि कितनी नंबर ऑफ ट्रेज कॉलम में होगी, नहीं, मैकैप थ्री डायग्राम हमें बताता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस चाहिए होते हैं फॉर द डिजायर्ड सेपरेशन। जैसे मेरे यहाँ पर मेरे डायग्राम में आंसर आया 4। अगर आपने भी मेरे साथ साथ मैकैप थ्री डायग्राम बनाया है तो आपका भी कुछ ना कुछ आंसर आया होगा। दैट कैन बी 5, दैट कैन बी 3, दैट कैन बी 6, दैट कैन बी 7, कोई भी नंबर आ सकता है, एनी नंबर। तो जो भी नंबर आता है ना, दैट नंबर कैन बी इक्वल्स टू एन, दैट नंबर कैन बी इक्वल्स टू एन प्लस 1, दैट नंबर कैन बी इक्वल्स टू एन प्लस 1 प्लस 1। मतलब मैकैप थ्री डायग्राम तो हमें ये बता देता है कि टोटल कितने स्टेजेस चाहिए होंगे फॉर द डिजायर्ड सेपरेशन। अब उन स्टेजेस की अरेंजमेंट कैसे करनी है वो केमिकल इंजीनियर के ऊपर होता है। केमिकल इंजीनियर टोटल रिबॉयलर एंड टोटल कंडेंसर यूज कर सकता है, टोटल रिबॉयलर एंड टोटल कंडेंसर यूज कर सकता है। तो अगर केमिकल इंजीनियर टोटल रिबॉयलर एंड टोटल कंडेंसर यूज करता है तो ऐसे में दोनों के दोनों एज ए स्टेज काउंट नहीं होते, बिकॉज टोटल रिबॉयलर टोटल कंडेंसर दोनों के अंदर कंप्लीट वेपराइजेशन और कंप्लीट कंडेंसेशन होती है। अगर इनको स्टेज बनना है तो स्टेज के कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे एक ट्रे के ऊपर दो लिविंग स्ट्रीम्स होती है, एक वेपर और लिक्विड। तो पहला रूल तो ये फॉलो करना पड़ेगा अगर इन्हें स्टेज की तरह काम करना है तो, कि जो लिविंग स्ट्रीम्स है ना उनमें वेपर लिक्विड दोनों होनी चाहिए। और ऐसा तभी हो सकता है जब ये पार्शियल हो, टोटल के अंदर नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा, जैसे ट्रे की लिविंग स्ट्रीम्स इक्विलिब्रियम में होती है, इसी तरह इनकी लिविंग स्ट्रीम्स भी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी तभी होगा जब ये पार्शियल होगा। तो क्योंकि ये पार्शियल नहीं है इसलिए ये दोनों एज ए स्टेज काउंट नहीं होते। तो अगर मुझे 4 स्टेजेस की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे केस में 4 के 4 स्टेज मुझे कॉलम के अंदर ही लगाने पड़ेंगे। सो एन बिकम्स इक्वल्स टू 4, और ये एन क्या है, एन है नंबर ऑफ ट्रेज दैट आर इंस्टॉल्ड इन द कॉलम। एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ ट्रेज इंस्टॉल्ड इन द कॉलम, कि कितनी ट्रेज कॉलम में इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल्ड इन द कॉलम। तो कितनी ट्रेज कॉलम में इंस्टॉल करनी है वो एन है। तो अगर मेरा टोटल रिबॉलर एंड टोटल कंडेंसर की अरेंजमेंट है तो 4 की 4 ट्रेस मुझे कॉलम में इंस्टॉल करनी है। अगर आपका आंसर 6 आया है तो 6 की 6 मुझे कॉलम में इंस्टॉल करनी है, ये मतलब है। अगर एन प्लस 1 है सो दैट अरेंजमेंट हैज टू बी टोटल कंडेंसर एंड पार्शियल रिबॉलर। तो पार्शियल रिबॉलर एक स्टेज का काम करेगा। तो अगर पार्शियल रिबॉलर एक स्टेज का काम कर रहा है तो मुझे जो रिक्वायरमेंट है कॉलम के अंदर वो हो जाएगी 3, बिकॉज टोटल स्टेजेस थे 4, एक स्टेज का काम कर रहा है पार्शियल रिबॉलर, तो टोटल स्टेज कितने चाहिए, 3। तो कितनी ट्रेस अब कॉलम में इंस्टॉल होगी, 3। इसी तरह जो लास्ट वाला है दैट इज पार्शियल कंडेंसर, पार्शियल कंडेंसर एंड पार्शियल रिबॉलर, ये लास्ट अरेंजमेंट है। तो अगर दोनों ही पार्शियल है तो दोनों स्टेज का काम करेंगे। यहां मैंने लिखा है +1 +1, पहला वन फॉर द एनी ऑफ देम मे बी पार्शियल कंडेंसर, तो दूसरा वन फॉर द पार्शियल रिबॉलर। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ ट्रेज हमें कॉलम में लगानी पड़ेगी वो बन जाएगी 2। तो मैकैप थ्री डायग्राम हमें ये नहीं बता रहा
कि कितनी ट्रेस कॉलम में चाहिए होगी। मैकियावेली डायग्राम में बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेज कितने चाहिए फॉर द डिजायर्ड सेपरेशन। अब उन स्टेजेस की अरेंजमेंट कैसे करनी है वो केमिकल इंजीनियर डिसाइड करेगा कि उसके लिए क्या केस सही है, पहले वाला, दूसरे वाला या तीसरे वाला। ठीक है, जनरली पहले वाला तो नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या तो दूसरे वाला होता है या तीसरे वाला होता है। और ये दोनों कब कब होते हैं ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट दीज आर द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को फॉलो किया जाता है बाय द केमिकल इंजीनियर। तो हमें मैकेप्थेले की करेक्ट एप्लीकेशन पता होना जरूरी है। कई बार मैंने देखा है बच्चों से पूछते हैं मैकेप्थेले की एप्लीकेशन है, ये मैं नंबर ऑफ ट्रेस बताता है, इतना नहीं बोलना, पूरा बोलना है कि मैकेप्थेले टेल्स अस अबाउट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेजेस फॉर द डिजायर्ड सेपरेशन। इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ स्टेजेस इंस्टॉल्ड इन द कॉलम। डिजायर्ड सेपरेशन के लिए कितने स्टेज टोटल चाहिए ये हमें बस वो बता देता है, कॉलम में कितने चाहिए वो नहीं बताता। वो तो हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी अरेंजमेंट हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, तो ये पॉइंट था मैं क्या थे लेगी एप्लीकेशन का। और यहाँ पे मैंने फोर लिखा, तुम फोर से कन्फ्यूज मत हो ना। फोर मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज मेरे डायग्राम में चार स्टेज आए हैं। अगर आपके डायग्राम में 5 आए हैं, 6 आए हैं, 7 आए, 8, 10, 12, 14, 15 जितने भी है आप वो लिख सकते हो। ये बस नंबर है जो मुझे मैकेप्थेले डायग्राम से मिला है। सो डोंट बी कंफ्यूज बाय दिस। ऐसा नहीं कि फोर ही होता है, इट कैन बी एनी नंबर दैट डिपेंड्स अपॉन द डायग्राम और द कंडीशंस और सिचुएशंस। ठीक है, ओके। तो गाइस आगे वैसे हमें पार्शियल रिपोलर वर्सेस टोटल रिपोलर एंड पार्शियल कंडेंसर वर्सेस टोटल कंडेंसर भी पढ़ना है, बट ऑलरेडी जो क्लास है वो शायद 2 घंटे की हो चुकी है, तो आगे पढ़ाऊँ? पढ़ पाओगे, हिम्मत है, या 2 घंटे पढ़ पढ़ के पूरा सेचुरेट हो गई है? बिकॉज 2 घंटे से ज़्यादा क्लास में फिर बच्चा कुछ समझ नहीं पाता है बिल्कुल भी। बताओ गाइस जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है, डरना, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो गया। ठीक है, तो यहां तक तो आई थिंक क्लियर है कि मैकेप्थेले डायग्राम कैसे बनता है, मैकेप्थेले डायग्राम की एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, अब हमें एक चीज और क्लियर करनी है, क्या कि हमारे पास जो रिबॉयलर्स और कंडेंसर्स है इनका क्या रीजन होता है, कौन सा कब यूज करते हैं, ये और हमें पता करना है। ठीक है, और इसके अलावा गाइस एक चीज हमने लिखी नहीं है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है मैकेप्थेले की अजम्पशंस। ठीक है, मैकेप्थेले की अजम्पशंस क्या क्या होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्लाइड पीछे लगा देंगे इसके। ठीक है, वो भी गेट में कई बार पूछी जाती है, तो व्हाट आर दी अजम्पशंस ऑफ मैकेप्थेले डायग्राम, अजम्पशंस ऑफ मैकेप्थेले डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीएमओ, कांस्टेंट मोलर ओवरफ्लो, इसके अंदर ही 7 अजम्पशन है पहली बात तो। ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर ही 7 अजम्पशंस है, ओके, 7 पॉइंट्स है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट एवरी स्टेज, ये भी एक अजम्पशन है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट एवरी स्टेज, हर स्टेज पर इक्विलिब्रियम होता है, दैट्स व्हाई एवरी स्टेज इज एन आइडियल स्टेज, इसलिए हर स्टेज एक आइडियल स्टेज होता है, दैट्स व्हाई एवरी स्टेज इज एन आइडियल स्टेज। ओके, एंड देन गाइस हमारे पास एक और एजम्पशन होती है जिसे बोला जाता है कॉन्स्टेंट मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड
हीट रिक्वायर्ड बाय द रीबॉयलर, हीट रिक्वायर्ड बाय द रीबॉयलर इज सेम एज द, इज सेम एज द हीट सप्लाइड बाय द कंडेंसर. बिकॉज कंडेंसर में हीट रिलीज होती है और रिबॉलर में हीट रिक्वायर्ड होती है, तो कंडेंसर से जो हीट मिल रही है वो रिबॉलर में यूज हो रही है, तो एनर्जी बैलेंस बना हुआ है प्रॉपर. ठीक है, तो हीट रिक्वायर्ड बाय द रिबॉलर इज सेम एज द हीट सप्लाइड बाय द कंडेंसर. ठीक है, इसी को बोला जाता है गाइस कॉन्स्टेंट मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन. ये भी एक मैकैप्थेले की अजम्पशन होती है. इसीलिए अब मैकैप्थेले में मास बैलेंस तो देखते हो बट एनर्जी बैलेंस नहीं देखते, क्योंकि एनर्जी बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती, है ना. कॉन्स्टेंट मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहीं भी एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है. ठीक है, एनर्जी पूरी तरह से मैकैप्थेले के हिसाब से कंजर्वड है. ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. एक्चुअल में जब मिक्सिंग कर रहे होते हैं तो मिक्सिंग के टाइम पे कुछ हीट लॉस होती है या लग जाती है मिक्सिंग प्रोसेस में, तो इस वजह से जो हमारा कॉलम के अंदर है, कॉलम के अंदर CMO कभी होता नहीं है. बिकॉज जो हम हीट ट्रांसफर सोच के चलते हैं, जो अजम्पशन सोच के चलते हैं, वो अजम्पशंस होती है, रियल लाइफ में वैलिड नहीं होती. ठीक है, ये सारी अजम्पशंस है और इसलिए मैकैप्थेले एक आइडियल केस है, बिल्कुल आइडियल. ठीक है, कभी भी रियलिटी में मैकैप्थेले हो नहीं सकता. ठीक है, तो कोई भी अजम्पशन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, बट मैकैप्थेले के अजम्पशंस हम लेके चलते हैं सारी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे. तो हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है पार्शियल रिबॉयलर वर्सेस टोटल रिबॉयलर. पार्शियल रिबॉयलर वर्सेस टोटल रिबॉयलर, पार्शियल रिबॉयलर वर्सेस टोटल रिबॉयलर. तो एक तरफ मैं लिख देता हूं पार्शियल रिबॉयलर, और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं टोटल रिबॉयलर. तो गाइस पार्शियल रिबॉयलर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, पार्शियल रिबॉयलर में लिक्विड स्ट्रीम जाएगी, ये मान लेते हैं लिक्विड स्ट्रीम गई, ये हमारा रिबॉयलर है. तो इस रिबॉयलर से एक निकलेगी एक और स्ट्रीम जो लिक्विड स्ट्रीम होगी, मान लेते W, और एक निकलेगी वेपर स्ट्रीम, ये मान लेते हैं वी डैश. इस तरह से तो पार्शियल रिबॉयलर की दो एग्जिट होती है, एक लिक्विड की फॉर्म में, एक वेपर की फॉर्म में. देयर आर टू लिविंग स्ट्रीम्स फ्रॉम अ पार्शियल रिबॉयलर. जबकि अगर हम टोटल रिबॉयलर की बात करें तो टोटल रिबॉयलर में अगर हमारे लिक्विड स्ट्रीम जाती है, ये हमारा टोटल रिबॉयलर है, तो देयर विल बी नो लिक्विड गोइंग आउट, देयर विल ओनली बी द वेपर स्ट्रीम. मतलब पूरा का पूरा लिक्विड वेपराइज हो जाता है, कुछ भी लिक्विड नहीं बचता, पूरा लिक्विड वेपराइज कर देता है. तो ये डिफरेंस है पार्शियल रिबॉयलर में और टोटल रिबॉयलर में. पार्शियल रिबॉयलर में पार्शियल वेपराइजेशन होती है, पार्शियल रिबॉयलर में पार्शियल वेपराइजेशन होती है, जबकि टोटल रिबॉयलर में टोटल वेपराइजेशन होती है. टोटल रिबॉयलर में टोटल वेपराइजेशन होती है, मतलब पूरा का पूरा मास हम वेपराइज कर देते हैं. ठीक है, तो इससे साफ साफ ये तो क्लियर हो ही जाता है कि जो स्टीम रिक्वायरमेंट है यहाँ पर वो कम है, है ना. स्टीम रिक्वायरमेंट इज लेस, स्टीम रिक्वायरमेंट. स्टीम रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं गाइस, स्टीम रिक्वायरमेंट को ड्यूटी बोला जाता है. ठीक है, स्टीम रिक्वायरमेंट मतलब कि ड्यूटी. इन दिस केस इज लेस, सो ड्यूटी ऑफ द पार्शियल रिबॉयलर इज लेस देन द ड्यूटी ऑफ द टोटल रिबॉयलर. या स्टीम रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ पार्शियल रिबॉयलर इज लेस देन द स्टीम रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ टोटल रिबॉयलर. तो यहां पे जो ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ टोटल रिबॉयलर, ड्यूटी ऑफ टोटल रिबॉयलर इज हाइएस्ट. ये हाइएस्ट होती है बिकॉज पूरा का पूरा मास वेपराइज करना है, तो मैं ये नहीं लिखूंगा ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है.
जितना हो सकता है उतनी होगी, बिकॉज इसे पूरा का पूरा मास वेपराइज करना है, ठीक है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, बिकॉज ऑपरेटिंग कॉस्ट डिसाइड होता है स्टीम रिक्वायरमेंट से, तो यहाँ पे स्टीम रिक्वायरमेंट कम है इसलिए ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस, कम होता है। और यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें, स्टीम रिक्वायरमेंट हाईएस्ट है, इसका मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाईएस्ट है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है। कॉस्ट लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो पैसा लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है तो भी चलेगा, बट फायदा तो होना चाहिए ना। तो हम ये देखते हैं फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि तुम पैसा लगाओ तो और पैसा लगाने से नुकसान हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि टोटल रिबॉलर में ऐसा ही होता है। इसके अलावा पार्शियल रिबॉलर एक ट्रे की तरह काम करता है, इट एक्ट एज ए स्टेज, इट एक्ट एज एन आइडियल स्टेज, ठीक है। इसलिए आप देखते हो कि पार्शियल रिबॉलर के अंदर +1 यूज होता है, ठीक है। और यहां पर इट डज नॉट एक्ट एज एन आइडियल स्टेज, ठीक है। और भी डिफरेंस है, अगली स्लाइड पे लिखते हैं। तो एक तरफ हमारा है पार्शियल रिबॉलर और दूसरी तरफ है मेरे पास टोटल रिबॉलर। ठीक है, तो गाइस जो हमारी रेसिड्यू लिक्विड स्ट्रीम है ना, दैट इज ऑलवेज देयर एंड द स्ट्रीम फेडबैक इज रिलेटिवली मोर रिच देन द इनकमिंग लिक्विड। पार्शियल रिबॉलर के केस में आपने क्या किया, ये जो लिक्विड था, पहले आपको समझना है कि लिक्विड क्या है। पार्शियल रिबॉलर के केस में जो लिक्विड आ रहा है ना, कॉलम के बॉटम से आ रहा है बिल्कुल, और कॉलम के बॉटम पे जो लिक्विड है ना, दैट इज हाईली रिच इन लेस वोलेटाइल्स, बिकॉज जैसे जैसे लिक्विड नीचे आता रहता है ये स्ट्रिप होता रहता है। तो स्ट्रिप होते 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 जो लिक्विड बिल्कुल नीचे मिला, दैट इज हाईली रिच इन लेस वोलेटाइल्स। अभी जो लेस वोलेटाइल्स में रिच फीड है जो अब रिबॉलर में गई, लेस वोलेटाइल का मतलब क्या है? लेस वोलेटाइल का मतलब है जो जनरली पसंद नहीं करते वेपर में रहना, या फिर लेस वोलेटाइल का मतलब है कि जिनको वेपराइज करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो एक ऐसी स्ट्रीम जो लेस वोलेटाइल्स में रिच है, उसको अगर आप पूरा वेपराइज करोगे तो जस्ट इमेजिन कितनी ज्यादा हमें हीट रिक्वायरमेंट होगी। और जबकि यहां पर लेस वोलेटाइल्स में से हमने थोड़ी ही हीट यहां पे दी है, तो थोड़ी हीट देने से ये बेनिफिट हमें मिला कि इस स्ट्रीम में जितना भी मोर वोलेटाइल है, चाहे वो 1% हो या 2% हो, जितना भी मोर वोलेटाइल हो वो वेपराइज करना पसंद करेगा। बिकॉज इन द इनिशियल फेज ऑफ वेपराइजेशन हमेशा क्या होता है, मोर वोलेटाइल ज्यादा वेपराइज होता है। तो ये जो हमारी वेपर स्ट्रीम होगी ये आसानी से बन जाएगी, इसको बनाने में मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे जो वेपर स्ट्रीम है, इसको बनाने में बहुत मुश्किल आने वाली है, बिकॉज ये वेपर स्ट्रीम पूरे एल डैश को वेपराइज करके बनेगी, एंड दैट टेक्स टू मच ऑफ स्टीम। लेकिन ये वी डैश इस एल डैश का एक पार्ट को वेपराइज करके बनेगी, और वो पार्ट को बनाने के लिए मैं ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमें समझना है पहली चीज तो। और दूसरी चीज, ये जो एल डैश है, अगर हमने इसे पूरा का पूरा वेपराइज कर दिया तो इस वेपर का क्या करोगे? क्या इसे ऐसे प्रोडक्ट बाहर यूज करोगे? नहीं, आप इस पूरी पूरी वेपर को क्या करोगे, कॉलम में डाल दोगे। अब पूरी वेपर को कॉलम में डालने से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बिकॉज कॉलम ने हमारी फीड में से लेस वोलेटाइल को सेपरेट करके बॉटम में भेजा था। अब आपको क्या करना चाहिए, इस लेस वोलेटाइल की जो स्ट्रीम है, अब इसे बाहर निकाल देना चाहिए कॉलम से, सो दैट कॉलम फिर से फ्रेश फीड में से लेस वोलेटाइल अलग कर पाए। कॉलम की ट्रेस का काम है फीड के लेस वोलेटाइल्स को अलग करना, और हमारा काम है उस लेस वोलेटाइल को जो हमें बॉटम में मिला उसे कॉलम के बाहर भेजना, ताकि कॉलम कंटिन्यूसली अपना काम कर सके। प्रोसेस कैलकुलेशन में इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पर्ज। एक पर्ज स्ट्रीम अगर एक सिस्टम में रहती है ना, तो सिस्टम अच्छे से चलता रहता है।
अगर हम पर्ज स्ट्रीम को बंद कर देते हैं तो सिस्टम नए फीड को प्रोसेस करना बंद कर देता है, बिकॉज सिस्टम का जो या आप ये बोल सकते हो जो डेबरी है, वो डेबरी जब तक बाहर नहीं जाएगा तब तक सिस्टम नया डेबरी जनरेट नहीं कर पाएगा। तो अगर लेस वोलेटाइल मेले ले डेबरी है तो फीड में से वो डेबरी निकाल कर कॉलम मुझे बॉटम में दे रही है, और अगर मैं दोबारा से उस डेबरी को कॉलम में भेज दूंगा तो कॉलम में डेबरी की संख्या बढ़ती रहेगी और फिर जो हमारी कॉलम है वो प्रॉपरली काम कर नहीं पाएगी। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे के पूरे वी डैश को वापस भेज दोगे कॉलम में तो ये तो कॉलम के ऑपरेशन को ही बंद कर देगा, और अगर इस वी डैश को आप वापस नहीं भेज रहे हो, ऐसा कर रहे हो कि इसका एक पार्ट आपने वापस भेजा और दूसरे पार्ट आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में विड्रॉ कर दिया, तो भी आपका नुकसान है। क्यों? क्योंकि जो पार्ट आप प्रोडक्ट की फॉर्म में विड्रॉ करोगे उस पार्ट को फिर आगे लेकर कैसे जाओगे, बिकॉज वेपर को ट्रांसपोर्ट करना, वेपर को हैंडल करना और वेपर को स्टोर करना ये काफी कॉस्टली होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड। लिक्विड तो आसानी से पंप हो जाता है, वेपर आसानी से पंप नहीं होता, वेपर को कंप्रेस करके आगे भेजना पड़ता है गैस की तरह। तो वेपर का स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग तीनों महंगे हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड। तो यहाँ पे पूरा वी डैश अंदर भेज देना वो भी नुकसान है, और वी डैश का एक पार्ट बाहर निकाल लेना एज ए प्रोडक्ट वो भी हमारे लिए नुकसान है। लेकिन इन दोनों को हम फुलफिल कर देते हैं इसकी हेल्प से। पार्शल रिबोलर में क्या करते हैं, हम एक पार्ट ही वेपराइज करते हैं, तो पूरा हमें पूरा अंदर नहीं भेजना पड़ रहा, सिर्फ एक पार्ट अंदर भेजना पड़ रहा है। और ये पार्ट भी अंदर क्यों भेजते हैं, ताकि कॉलम में वेपर की सप्लाई बनी रहे, वो हमें बनानी जरूरी है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि फीड से वेपर आएगी या नहीं आएगी। तो फीड से वेपर आए या ना आए, कॉलम में वेपर की सप्लाई बनी रहे, इसलिए इस वी डैश को हमें कॉलम में भेजना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम पर्ज स्ट्रीम में निकालते रहते हैं, आप देख सकते हो W हमारा कॉन्स्टेंटली निकल रहा है। तो ये W लिक्विड होता है और लिक्विड को पंप करना आसान होता है, इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग और स्टोरेज सस्ता होता है। तो यहाँ पर एक तो हमें हीट कम यूज करनी पड़ी, स्टीम का कम यूज हुआ, दूसरा मुझे जो प्रोडक्ट मिला लिक्विड फॉर्म में मिला जिसका आसानी से ट्रांसपोर्ट, हैंडल, स्टोर हो सकता है, तीसरा जो वेपर स्ट्रीम बनी वो वेपर स्ट्रीम हम आसानी से कॉलम में भेज सकते हैं, और वो वेपर स्ट्रीम में मोर वोलेटाइल कंटेंट होगा ठीक ठाक, क्योंकि यहाँ पर जितना मोर वोलेटाइल था उसमें से काफी बड़ा परसेंटेज वेपराइज होकर वी डैश में आ चुका है, बिकॉज ये इनिशियल फेज ऑफ वेपराइजेशन है और इनिशियल फेज ऑफ वेपराइजेशन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को ज्यादा वेपराइज करती है। तो सारे के सारे बेनिफिट हमें पार्शियल रिबॉइलर में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर पैसा भी ज्यादा देना पड़ रहा है और पैसा ज्यादा देकर क्या हो रहा है, सिर्फ नुकसान, बिकॉज जो वेपर स्ट्रीम बनी वो वेपर स्ट्रीम अल्टीमेटली अगर आप पूरी कॉलम भेजोगे तो दिक्कत है, और उसका एक पार्ट बाहर प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालोगे तो भी दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, एंड दैट इज वाई जब भी हम कंपेयर करते हैं पार्शियल रिबॉइलर वर्सेस टोटल रिबॉइलर को, तो मोस्टली हम पार्शियल रिबॉइलर ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट है जो आपको समझना है। तो इन दिस केस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इन लिक्विड फॉर्म विच कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड, हैंडल्ड एंड स्टोर्ड। वेपर दैट फॉर्म्स कैन बी फेड बैक एज इट इज necessary to maintain the vapor supply of the column. As this is initial phase of vaporization, therefore, steam requirement
इज नॉट मच एंड आर वी डैश इज हैविंग मोर अमाउंट ऑफ मोर वोलेटाइल देन एल डैश एंड डब्ल्यू. एल डैश और डब्ल्यू दोनों के कंपेरिजन में जो हमारा वी डैश होता है उस वी डैश में अब मोर वोलेटाइल का अमाउंट ज़्यादा होता है. ठीक है, इसीलिए हमारी स्टीम भी कम लगती है और हमारी वेपर सप्लाई बनी रहती है. जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो लिक्विड मिलता है, उसकी स्टोरेज हैंडलिंग हम आसानी से कर पाते हैं. टोटल रिबॉलर में सारी फैसिलिटी नहीं है क्योंकि टोटल रिबॉलर में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो वेपर होता है. इन दिस केस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज इन वेपर फॉर्म. ठीक है, विच इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट हैंडल एंड स्टोर. ठीक है, सेकेंडली इफ वी फीड कंप्लीट वी डैश टू द कॉलम देन इट विल इंक्रीज द लोड. It will increase the load and results in flooding. वो भी नहीं कर सकते. Also, as L dash is highly rich in less volatiles, therefore In order to vaporize it completely, we need steam in huge amount. अच्छे खासे अमाउंट में स्टीम चाहिए होती है. ठीक है, तो फाइनली हमारा निष्कर्ष क्या निकला? फाइनली निष्कर्ष निकला पार्शियल रिबॉयलर इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर टोटल रिबॉयलर. इन डिस्टिलेशन तो ये हमारा फाइनली रिजल्ट निकल के आया है. ठीक है, सो गाइस ये क्लियर हुआ सबको? गाइस समझ आ रहा सबको पार्शियल रिबॉलर वर्सेस टोटल रिबॉलर का कॉन्सेप्ट? ओके, बच्चे भी काफी कम हो गए, अब सिर्फ 12 ही रह गए हैं. थक गए सारे बच्चे पढ़ते पढ़ते. सर टोटल रिबॉलर नहीं यूज करते हैं क्या जनरली? अनंत कुमार, आपको मैंने समझा दिया सब कुछ कि टोटल रिबॉलर यूज क्यों नहीं करते. अगर टोटल रिबॉलर यूज कर भी रहे हैं ना तो भी उसमें हम पार्शियल वेपराइजेशन ही करते हैं. ठीक है, जैसे कि थर्मोसाइफन रिबॉलर टोटल रिबॉलर की कैटेगरी में आता है. बट अगर हम वो यूज़ भी कर रहे हैं ना तो भी उसके अंदर हम करते तो पार्शियल वेपराइजेशन ही है.
सो इक्विपमेंट आपका टोटल रिबॉयलर हो सकता है, मतलब वो टोटल रिबॉयलर टोटल वेपराइजेशन कर सकता है, बट उसमें से करवाओगे आप पार्शियल वेपराइजेशन ही, ठीक है। तो इंडस्ट्री में आपको हो सकता है ऐसा दिखा मिले कि टोटल रिबॉयलर यूज़ हो रहा है, बट वहाँ पे वेपराइजेशन कंप्लीट नहीं होगी, वेपराइजेशन पार्शियल ही होगी हमेशा। ठीक है, तो चलिए गाइस फिर आगे जो हमारा एक और टॉपिक रहता था पार्शियल कंडेंसर वर्सेस टोटल कंडेंसर, उसे हम कल कवर करेंगे, ठीक है। तो मास ट्रांसफर का क्रैश कोर्स चल रहा है ये, जिसकी आज 6th क्लास थी, और गाइस इसका मैंने टाइम चेंज कर दिया है। इसका जो टाइम है ये अब हर रोज 5 बजे होता है। वैसे जब लॉन्च हुआ था तो क्लासेस 5:30 बजे से होती थी, बट अब जो क्रैश कोर्स होता है वो 5 बजे होता है। तो डेली 5 बजे क्लासेस चलती है, कल भी 5 बजे ही सेशन शुरू होगा। आपको सेशन पे टाइमिंग 5:30 दिखा रहा होगा, आज भी 5:30 दिखा रहा था, बट 5 बजे मैं शुरू कर दूंगा। तो 5 बजे से आपको क्लास चला लेनी है, 5 बजे सेशन शुरू हो जाएगा। तो इस बात को आप आगे बता देना अपने सर्कल में कि सर ने क्रैश कोर्स की टाइमिंग्स चेंज कर दी है, 5 बजे कर दी है, ठीक है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बाकी अनअकैडमी कम्पीट स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर आप वन ऑन वन लाइव क्वेश्चन बैटल्स लड़ सकते हैं और अपनी रेटिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए कि गेट 2004 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स अब नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि नया बैच 10 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। तो गाइस दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, है ना। एंड आई विल गाइड यू, आई विल मेक श्योर कि आपका गेट 2024 में एक सुपर रैंक आए। उसके लिए आपको करना क्या है, एक 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको ले लेना है, जो कि फरवरी गेट 2024 तक वैलिड रहेगा, ठीक है। और आपको जो रेफरल कोड यूज करना है वो एजुकेटर कोड है, दैट इज अंकुर 073। सो दिस इज द कोड दैट यू नीड टू यूज, अंकुर 073, ठीक है। और इसके बाद आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, तो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद मी विद हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, ठीक है। तो अपने सर्कल में इस बात को जरूर बता देना, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन की डेली क्लासेस होती है फ्रॉम 9 PM टू 11 PM। और अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पर जाकर आप मेरी प्रोफाइल पर सर्च करके फॉलो कर सकते हो। आप मुझे मेरे नाम से सर्च कर सकते हो अंकुर बंसल, या मेरे कोड से मुझे सर्च कर सकते हो, या फिर इस बार कोड से मुझे सर्च कर सकते हो, ठीक है। और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गेट 2023 वाले बच्चों के लिए, क्योंकि 23 वाले बच्चों के लिए हम हियर रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट कर रहे हैं 18 नवंबर से। जी हाँ, 18 नवंबर से RIB स्टार्ट हो रहा है। मैं आपके लिए हीट ट्रांसफर ऑपरेशन लेकर आ रहा हूँ RIB में, शैलेंद्र सर मैथमेटिक्स लेकर आ रहे हैं, और सुमित प्रजापति सर फ्लूड मैकेनिक्स लेकर आ रहे हैं RIB के अंदर। तो RIB बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, आपको फिर से सब्सक्रिप्शन लेना होगा, बट इस बार 3 महीने का सब्सक्रिप्शन काफ़ी है, बिकॉज 23 में 3 महीने बचे हुए हैं। तो आप कोड यूज कर सकते हो अंकुर 073, और अंकुर 073 कोड यूज करके आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो अपने लिए, ओके। इसके अलावा गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है 24 के लिए, तो आप आइकॉनिक प्लान पे भी जा सकते हो, बिकॉज आइकॉनिक प्लान में आपको एक मेंटोर भी प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके प्रिपरेशन की टेक केयर करता है, ठीक है। और आप गेट केमिकल के अलावा किसी भी और जगह का कोर्स का आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहो, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल, या अनअकैडमी की नीट JEE की क्लासेस का, UPSC का, कैट का, या फिर जुडिशरी का, SSC का, तो भी आप अंकुर 073 कोड यूज़ कर सकते हो। और जो भी प्राइसेस आपको वहाँ पे दिखा रखे होंगे उन्हें पे करने की नीड नहीं, आप ये कोड यूज़ करो, प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगे और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो पेमेंट पे, ठीक है। और गाइस ये मेरी प्रोफाइल है, और मैं मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, IPC, MO, PDN, CET, ये 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। और जिस तरह से आपने अभी देखा ही है, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स मैं प्लस के अंदर पढ़ाता हूँ। तो प्लस के अंदर सुपर फॉर्म में एक्चुअल कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट लेने के लिए आप प्लस पे आओ। एक्सक्लूसिवली मैं प्लस पे ही पढ़ाता हूँ, जनरली यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस में मेरी क्लासेस नहीं होती है ज़्यादा, प्लस पे मेरी ज़्यादा क्लासेस होती है। सो कम ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म एंड लेट्स लर्न द केमिकल इंजीनियरिंग गाइस, ठीक है। एंड गाइस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग विद अंकुर सर, ठीक है। तो इस चैनल पे आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मेरी क्लासेस की सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। और ये जो क्लास मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, इस क्लास की PDF भी आपको इसी चैनल पर ही मिलेगी। तो इस सेशन के जस्ट बाद इस PDF को मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप इस टेलीग्राम चैनल से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है गैस, तो हम कल मिलते हैं 5 बजे, और कल हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो रिफ्लक्स के बारे में रहेगा। तो अगर आप पढ़ के आना चाहते हो पहले से, तो पढ़ के आना रिफ्लक्स के बारे में, ठीक है? टोटल रिफ्लक्स, मिनिमम रिफ्लक्स, ऑप्टिमम रिफ्लक्स, तो रिफ्लक्स के बारे में हम पूरा कल पढ़ेंगे। और कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गेट में भी रिफ्लक्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और इंटरव्यू में भी रिफ्लक्स से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो टुमारो विल स्टडी द रिफ्लक्स रेशो। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते वंस अगेन, एंड जय।